यक्षिणी डायन ने पिताजी को मार दिया माँ, मार दिया पिताजी को। वैजयंती खामोश रहती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है। ब्रजेश्वर की लाश को देखकर तो जानकी और सुदेश ने रोना भी शुरू कर दिया था, पर वैजयंती थी कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं था। वो अपनी जगह से जरा सी भी टस से मस नहीं हुई थी, बस एकटक नजर से खामोशी के साथ ब्रजेश्वर की लाश को देखते जा रही थी। दिलीप वैजयंती से रोते हुए ही कहता है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं माँ, ऐसे चुप मत रहो माँ। देखो माँ, उस यक्षिणी ने मार दिया पिताजी को, अब हमारा क्या होगा माँ, क्या होगा हमारा। वैजयंती अभी भी खामोश रहती है, बस एकटक नजर से ब्रजेश्वर की लाश को देखते रहती है। दिलीप को कुछ अजीब लगने लग जाता है। वो यही सोच रहा था कि उसकी माँ रो क्यों नहीं रही थी, जबकि कोई और औरत होती तो उसने अपने पति की लाश को देखकर अब तक रोना धोना शुरू कर दिया होता। दिलीप ब्रजेश्वर की लाश के पास से उठता है और वैजयंती के पास जाकर उसे हिलाते हुए कहता है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ, बोलो बोलो माँ। इतना कहकर दिलीप वैजयंती को झकझोरने लग जाता है, अपनी पूरी जान लगाकर उसे हिलाने लग जाता है, पर वैजयंती थी कि कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती है। वो एक गहरी शोक में डूबी हुई थी, उस शोक में जहाँ पर उसके रोने की आवाजें सिर्फ वही सुन पा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा तो बह रही थी, पर उसके अंदर उसके सीने में आंसुओं का सैलाब जमा हो गया था। जब जानकी देखती है कि दिलीप बार बार वैजयंती को हिलाए जा रहा था, पर वैजयंती कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो उसी वक्त जानकी विराट को सुदेश की गोद में देती है और दिलीप को वैजयंती से दूर करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए माँ को, इन्हें इस तरह से मत करिए। दिलीप रोते हुए जानकी से कहता है, माँ कुछ कहती क्यों नहीं जानकी, देखो ना माँ को क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। जानकी भी रोते हुए ही दिलीप से कहती है, कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, वो बस सदमे में है, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें अकेलेपन की जरूरत है। दिलीप रोते हुए ही कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं जानकी, वो माँ है मेरी। इतना कहकर दिलीप खुद खामोश हो जाता है, पर अगले ही पल उसे लगने लग जाता है कि जानकी ठीक कह रही थी, इसलिए वो खुद वैजयंती को झकझोरना बंद कर देता है और पीछे हट जाता है। वैजयंती ब्रजेश्वर की लाश को देखते हुए ही धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लग जाती है। वैजयंती ब्रजेश्वर की लाश के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रजेश्वर की लाश को देखकर वैजयंती के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति का शव रखा हुआ था। वैजयंती कांपते हुए हाथ से ब्रजेश्वर के सीने को छूने लग जाती है। वैजयंती जैसे जैसे ब्रजेश्वर के सीने पर हाथ फेरते जा रही थी, उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने ब्रजेश्वर के साथ बिताए थे। उसे याद आता है कि कैसे ब्रजेश्वर अपने माता पिता के साथ उसे देखने के लिए आया था और उसे देखते ही उसने पसंद कर लिया था। वैजयंती को वो सारे प्यार के पल एक एक करके याद आ रहे थे जो उसने ब्रजेश्वर के साथ बिताए थे। वैजयंती ब्रजेश्वर के सीने पर हाथ फेरी रही थी कि तभी उसे इस चीज का आभास होने लग जाता है कि ब्रजेश्वर मर चुका था, अब वो कभी नहीं उठेगा, उसकी सांसें जा चुकी थी। वो सैलाब जो वैजयंती के सीने के अंदर जमा हो गया था, वो सैलाब को बाहर निकालते हुए रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उठिए जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उठिए जी। वैजयंती चीख चीख कर रोने लग जाती है। उसके अंदर जितना सैलाब भरा हुआ था वो बाहर निकालने लग जाती है। दिलीप और जानकी भी वैजयंती को रोने देते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। वो जानते थे यही ठीक था, वैजयंती के अंदर का दर्द बाहर बहकर आना जरूरी था। अगर वो दर्द बहकर बाहर नहीं आता तो वो हमेशा इसी दर्द के साथ जीते रहती, हमेशा गम में डूबे रहती। वैजयंती चीख चीख कर रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर बल्लू की गोद में जो अनुराग था उस पर पड़ती है। अनुराग कुछ इस तरह बल्लू की गोद में पड़ा हुआ था कि उसे देखकर कोई भी कह दे कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, वो मर चुका है। यही गलतफहमी वैजयंती को भी होने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि अनुराग को भी यक्षिणी ने कुछ कर दिया है, आखिर वो भी तो अमावस्या की रात में काला झाड़ी जंगल गया था। अनुराग को देखकर वैजयंती की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है, उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। वैजयंती अनुराग को देखते हुए कसकर चीखते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं। ये चीख वैजयंती की आखिरी चीख थी। इसी चीख के साथ वो अपना दम तोड़ देती है। वो अपने पति ब्रजेश्वर के सीने पर अपना सिर रखकर ही अपना दम तोड़ देती है। वो भी उसी की तरह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है, जिस तरह ब्रजेश्वर शांत हो गया था। जैसे ही वैजयंती शांत होती है, दिलीप कसकर चीखता है, माँ। उस दिन दिलीप ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया था,
बल्कि पिता के साथ माँ को भी खो दिया था। और सिर्फ दिलीप ने नहीं बल्कि अनुराग ने भी खो दिया था। उन दोनों के सिर पर से माँ बाप का साया उठ गया था। उस दिन के बाद दिलीप के मन में अनुराग के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसा कि यक्षिणी ने अनुराग से कहा था कि वो अनुराग के लिए सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस रात के बाद से अनुराग को यक्षिणी के बारे में कुछ याद नहीं रहा। उसे तो ये भी याद नहीं था कि यक्षिणी कभी उससे मिली थी या नहीं। वो तो उसका नाम तक भूल गया था। जब कोई जाने अनजाने में उसके सामने यक्षिणी का नाम ले लेता था, तब भी उसे यक्षिणी के बारे में कुछ याद नहीं आता था। दिलीप रह रहकर ब्रिजेश्वर और वैजयंती की मौत का जिम्मेदार अनुराग को ही ठहराता था। अनुराग को तो ये भी याद नहीं था कि उस अमावस्या की रात वो घाट के पास गया था भी या नहीं। उसे यही लगता था। सारी रात वो बस ग्रेवयार्ड कोठी में सोते रहा था, और जब सुबह उठा तो एक बुरे हादसे में उसके माँ बाप दोनों की जान चली गई। उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस रात के बाद अनुराग में एक और बदलाव आया था। उसने काला झाड़ी जंगल और घाट पर जाना छोड़ दिया था। जैसा कि यक्षिणी ने अनुराग से वादा किया था, उस रात के बाद यक्षिणी उसे दोबारा फिर कभी नहीं मिली। अनुराग को इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ कि यक्षिणी उसके आसपास है। यक्षिणी के जाने के बाद अनुराग ने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। उन किताबों की कहानी में ही अपनी जिंदगी को ढूंढने लग गया। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने उन किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया था, जो उसके मरते दम तक आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ने वाली थी। अनुराग दिन भर अपने कमरे में ही रहा करता था और वो किताबें पढ़ा करता था जो उसके पिता ब्रिजेश्वर की थी। ब्रिजेश्वर को लिखने का शौक भले ही नहीं था, पर पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि उसका पूरा एक कमरा किताबों से भरा हुआ था। अनुराग रोज रात को उसके कमरे में जाता और चार पांच किताबें लेकर आता था। रात ही रात में वो सारी किताबें पढ़कर खत्म कर देता था। उसके अंदर पढ़ने का एक जुनून सवार हो गया था। उसके दिमाग में ये बात बस गई थी कि उसके पिताजी ने कहा था उसे बड़ा होकर एक लेखक बनना है, एक महान लेखक, और वो उनकी राह कदम पर चल पड़ा था। रोज रात को सोने से पहले वो पेन जो उसके पिता ब्रिजेश्वर ने उसे दिया था, उससे कुछ न कुछ लिखते रहता था। अनुराग को इस बात का भी आभास था कि उसके पिताजी ने उससे कहा था कि उसे लेखक तो बनना है, पर एक पढ़ा लिखा लेखक, वो लेखक जो अपनी कहानियों से सिर्फ लोगों को कहानियां नहीं सुनाएगा, बल्कि वो बातें बताएगा जो वो जानते तक नहीं होंगे। उन्हें कहानियों के साथ ज्ञान भी देगा, इसलिए वो पढ़ाई भी किया करता था। रोज रात को किताब पढ़कर खत्म करने के बाद सुबह सुबह स्कूल जाया करता था। जब यक्षिणी अनुराग की जिंदगी में थी तो अनुराग के दो ठिकाने हुआ करते थे, पहला काला झाड़ी जंगल और दूसरा बंगला मुड़ा घाट, क्योंकि वहीं पर यक्षिणी अनुराग से मिलने आया करती थी। यक्षिणी के चले जाने के बाद उसके ये दो ठिकाने भी बदल गए। अब उसके नए दो ठिकाने बन गए थे। पहला उसका कमरा रूम नंबर 666, जहां पर वो किताबें पढ़ा करता था, और दूसरा कुआं, जहां पर उसकी और यक्षिणी की यादें कैद थी। उसे भी नहीं पता था कि वो जगह उसे इतनी पसंद क्यों थी। वो खुद ब खुद उस कुएं की तरफ खींचे चला आता था और शांति के साथ कुएं के पानी को देखते हुए घंटों बिता देता था, और उसे पता भी नहीं चलता था। उस अमावस्या की काली रात के बाद सिर्फ अनुराग नहीं बदला था, बल्कि बल्लू भी बदल गया था। उसका भी अनुराग के प्रति बर्ताव बदल गया था। वो अनुराग की फिक्र करने लग गया था, इसलिए नहीं क्योंकि ब्रिजेश्वर ग्रेवयार्ड कोठी अनुराग के नाम करके गया था और अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी का मालिक बन गया था, बल्कि इसलिए कि उसे ब्रिजेश्वर से किया हुआ वादा हमेशा याद रहता था कि उसके जाने के बाद बल्लू को ही अनुराग का ख्याल रखना था। यही कारण था कि बल्लू हमेशा अनुराग पर अपनी नजरें जमाए रखता था, अनुराग के बंद कमरे के बाहर पहरा देता था, क्योंकि ब्रिजेश्वर की मौत के बाद बल्लू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अनुराग की जान को खतरा था, बहुत बड़ा खतरा। जब दिलीप को इस बात का पता चला कि ब्रिजेश्वर ग्रेवयार्ड कोठी अनुराग के नाम करके गया है, और सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी ही नहीं बल्कि और भी कई जायदाद, तो दिलीप से ये बात सहन नहीं हुई। उसके अंदर का अनुराग के प्रति गुस्सा तो बढ़ा ही, साथ में अपने पिता ब्रिजेश्वर के प्रति भी। वो मरने के बाद भी अपने पिता से नफरत करने लग गया। उसे तरह तरह की गालियां देता रहता था और कोसते रहता था। उसे तो लगने लग गया था कि अनुराग उसे नदी के पास नहीं बल्कि ब्रिजेश्वर की किसी रखेल का बेटा था। तभी ब्रिजेश्वर अनुराग के नाम इतना सब कुछ करके गया था। यही बात सोचते हुए उसके अंदर का गुस्सा अनुराग के प्रति बढ़ने लगा था। उसे अब ग्रेवयार्ड कोठी में घुटन सी होने लग गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि ब्रिजेश्वर के चले जाने के बाद ग्रेवयार्ड कोठी का मालिक वो बनेगा, पर मालिक अनुराग बन चुका था। पर अनुराग ने कभी मालिक वाले हुक्म किए ही नहीं। वो इन सब बातों से अनजान था कि उसके हिस्से में ग्रेवयार्ड कोठी आई थी।
वो तो बस अपनी किताबों की कहानियों में डूबा रहता था। दिलीप के समझ नहीं आ रहा था कि दिन भर अनुराग बंद कमरे के अंदर क्या करते रहता था। उसे लगने लग गया था कि अनुराग बंद कमरे के अंदर जादू टोना करता है, क्योंकि कई बार उसने अनुराग को तंत्र मंत्र की गुप्त किताबों के साथ भी देखा था। पर सच्चाई तो ये थी कि अनुराग बस उन किताबों को पढ़ते रहता था, क्योंकि वो अपनी कहानियों के लिए ज्ञान सभी चीजों का लेना चाहता था। अनुराग अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ा करता था, कभी इतिहास से जुड़ी तो कभी धार्मिक किताबें, और सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं बल्कि हर धर्म की, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म समान थे। उसके लिए ईश्वर तो सिर्फ उसके पिता थे जो यक्षिणी ने उससे छीन लिए थे। जब से दिलीप ने अनुराग को उन किताबों के साथ देखा था, उसे अनुराग से डर लगने लग गया था, और ये डर वक्त के साथ और बढ़ गया था। उसने अपने बेटे विराट को भी अनुराग से एकदम दूर कर दिया था। वो अपने बेटे विराट को अनुराग को छूने तक नहीं देता था। उसे लगता था कि अनुराग कहीं उसके बेटे को कुछ कर न दे। बृजेश्वर और वैजयंती को गुजरे एक साल हो गया था, पर दिलीप का ये डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके अंदर का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे तो अपने साये से भी डर लगने लग गया था। वो अंधेरे में एक पल के लिए भी नहीं रहता था। दिलीप के अंदर का ये बदलाव जानकी ने भी नोटिस कर लिया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को क्या हो गया था, क्यों वो इतना डरा डरा रहता था। उसने तो कई बाबाओं को, झाड़ फूंक वालों को भी दिखाया था, पर तब भी उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ था। दिलीप को हर पल ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपनी मौत का खौफ सताते रहता था। उसे ग्रेवयार्ड कोठी की दीवारों के साए पर अपनी मौत दिखाई देती थी। यही कारण था कि उसने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ने का फैसला कर लिया, पर वो अपने परिवार को लेकर कहां पर जाए, यही बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। उसके हिस्से में खेत तो आए थे, पर उन खेतों में वो अपने 2 साल के बेटे और पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से खेतों में बस खेती हो सकती है, रहा नहीं जा सकता है। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां पर जाए। जब भी वो ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता था, उसके अंदर का डर खत्म हो जाया करता था। और उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि मसला ग्रेवयार्ड कोठी में रहने का ही था। उसके अंदर के डर की वजह ग्रेवयार्ड कोठी ही थी। वो आज ग्रेवयार्ड कोठी से यही सोचकर निकला था कि वो वापस ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाएगा, अपने और अपने परिवार के लिए नया ठिकाना ढूंढ कर ही रहेगा। यही कारण था कि वो आधी रात में भी गांव की कच्ची सुनसान सड़कों पर इस वक्त अकेला भटक रहा था। दिलीप बुरी तरह थक चुका था। वो सुबह से निकला था और रात हो गई थी, पर अभी तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिला था। पर फिर भी वो चलते जा रहा था। उसने सोच लिया था कि वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। दिलीप थका हारा चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर उसकी नजर बचपन से थी। वो उसे बचपन से पाना चाहता था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी दिलीप थका हारा चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर उसकी नजर बचपन से थी। वो उसे बचपन से पाना चाहता था। दिलीप एकटक नजर से उसी चीज को देखते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उसकी आंखों में उतर गई हो। सिर्फ आंखों में ही नहीं बल्कि मन में भी। उसकी आंखों की पुतली में वो चीज साफ दिखाई देने लग गई थी। उसकी आंखों में कुछ और नहीं बल्कि एक हवेली दिखाई दे रही थी, वो हवेली जो अघोरी की थी। दिलीप इस वक्त आधी रात में कहीं और नहीं बल्कि रोंकामुचा गांव में था, जहां पर अघोरी ने अपने काले जादू से हवेली बनाई थी जिसमें वो काले काम करता था। दिलीप उस हवेली के सामने खड़ा हुआ था। सालों पहले यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हो चुका था। ये उस समय की बात है जब दिलीप का जन्म तक नहीं हुआ था। दिलीप का क्या, उसके दादा उसके परदादा का भी नहीं हुआ था। यक्षिणी और अघोरी की लड़ाई सालों पहले ही हो गई थी। उस लड़ाई में यक्षिणी अघोरी को हरा चुकी थी। अघोरी यक्षिणी से उसके गहने और ताज तो छीनने में कामयाब हो गया था, पर यक्षिणी ने अघोरी को एक काले कुत्ते के रूप में बदल दिया था। उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी और अघोरी सालों से उसी रूप में घूम रहा था। तब से लेकर आज तक वो हवेली खाली ही थी। किसी आदमी ने उसके अंदर कदम तक नहीं रखा था। गांव के सभी लोगों को ये बात पता थी कि अघोरी के पास बहुत सारा धन था। सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे जो उसी हवेली के अंदर गड़े हुए थे, लेकिन गांव के किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस हवेली के अंदर कदम तक रख सके। सभी के मन में अघोरी का खौफ बसा हुआ था। सबके लिए खजाने से प्यारी अपनी जान थी। बचपन से ही दिलीप उस हवेली को देखते हुए आ रहा था।
और उसने भी उस हवेली से जुड़ी अघोरी की सारी कहानियां सुन रखी थी। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि यक्षिणी ने अघोरी को उस रात काला कुत्ता बना दिया था। दिलीप को भी ये बात पता थी कि उस हवेली के अंदर गुप्त धन छुपा हुआ है। उसके मन में उस गुप्त धन को पाने का कई बार ख्याल आया था, पर रह रहकर वो उस ख्याल को मार देता था क्योंकि उसके मन में डर बसा हुआ था, और वो डर था अघोरी का डर। पर आज जब वो उस हवेली के सामने खड़ा हुआ था तो उसके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे इस हवेली से कहीं ज्यादा डरावनी ग्रेवयार्ड कोठी दिखाई देती थी। जब आपको किसी नई चीज से ज्यादा डर लगने लग जाता है तो पुरानी चीज से डर कम हो जाता है, और आज वही डर दिलीप का खत्म हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था वो हवेली उसे आवाज दे रही हो, उसे अपने पास बुला रही हो। वो हवेली आज उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। दिलीप उस हवेली को देखते हुए डरते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस हवेली के अंदर कैसे जा सकता हूँ, ये हवेली तो उस अघोरी की है, अगर वो अंदर हुआ तो मेरा तो किस्सा ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले ही पल दिलीप कुछ और सोचते हुए कहता है, पर वो अघोरी कैसे आ सकता है, उसे तो सालों से किसी ने भी ना हवेली के अंदर घुसते हुए देखा है और ना बाहर निकलते हुए, हो सकता है वो मर गया हो। एक बार कादम्बरी आंटी ने बताया तो था कि एक अमावस्या को उस अघोरी ने यक्षिणी को बुलाया था और उनके बीच भीषण लड़ाई हुई थी। उसी रात के बाद से अघोरी गायब हो गया था, फिर किसी को नहीं दिखा, वरना वो तो लोगों को सोना चांदी देकर काले काम करवाया करता था जिससे उसकी जादू टोने में मदद हो सके। मुझे तो लगता है यक्षिणी ने उस अघोरी को भी अपना शिकार बना लिया होगा, जैसे वो बाकी के मर्दों को बनाती है। आखिर है तो वो यक्षिणी एक डायन ही ना, वो बहुत खतरनाक है, उस अघोरी से भी ज्यादा खतरनाक। दिलीप जिस कादम्बरी की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कछुए की दादी थी। कछुए की दादी ने ही दिलीप को एक बार अघोरी और यक्षिणी के बारे में बताया था, जब दिलीप उससे हवेली के बारे में पूछ रहा था। दिलीप उस हवेली को देखकर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है इस हवेली के अंदर ही उस अघोरी ने अपना सारा गुप्त धन छुपा कर रखा हो, वो गुप्त धन जो शायद आज भी इस हवेली के अंदर है। अगर एक बार मेरे हाथ वो गुप्त धन लग गया तो मुझे इस तरह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिस घर को चाहूंगा वो मेरा हो जाएगा, फिर मुझे अपने परिवार के साथ उस मनहूस ग्रेवयार्ड कोठी में उस पागल अनुराग के साथ भी नहीं रहना पड़ेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, इतना अमीर कि जिसे चाहे खरीद सको, इस गांव में मेरा ही राज होगा। जब दिलीप गुप्त धन के बारे में सोचता है तो उसका मन हवेली के अंदर जाने का करता है, पर अगले पल उसके मन में अघोरी का ख्याल आता था तो वो ख्याल बदल भी जाता था। उसको अघोरी का डर सताने लग जाता है, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हवेली के अंदर जाए या नहीं। वो हवेली से एक दो कदम आगे निकल जाता था, पर फिर दो तीन कदम पीछे करके उसके सामने खड़ा हो जाता था। वो बार बार यही सब कर रहा था और परेशान होते जा रहा था। आखिरकार कई बार सोचने के बाद वो फैसला ले ही लेता है, और वो फैसला करता है हवेली के अंदर जाने का। उसका मुख्य कारण ये था कि वो अब किसी भी कीमत पर अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहना चाहता था। उसके अंदर अनुराग के लिए इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी कि उसने अघोरी के लिए जो डर था उसे खत्म कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि हवेली के अंदर उसे जरूर अघोरी का गुप्त धन मिल जाएगा जो हवेली के अंदर छुपा था। इसी उम्मीद के साथ उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया था। रात के काले अंधेरे में वो हवेली और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी मीनारें काली दिखाई दे रही थी, जैसे किसी की काली परछाई उन मीनारों पर पड़ रही हो। दिलीप एक बार उस हवेली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, एक गहरी सांस लेता है और महाकाल का नाम लेते हुए हवेली के अंदर घुस जाता है। हवेली का गेट खुला ही हुआ था, जिस कारण उसे हवेली के अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो हवेली के अंदर घुसता है तो देखता है कि कई सालों से किसी के उस हवेली के अंदर न आने के कारण मकड़ी के जालों ने उस हवेली को अपना घर बना लिया था। हर तरफ मकड़ी के जाल बने थे, ऊपर से हवेली में अंधेरा अलग छाया हुआ था। दिलीप उसी वक्त अपनी जेब से माचिस निकालता है और उसे जलाता है, जिस कारण उसे कुछ चीजें दिखाई देने लग जाती है। अभी दिलीप ने माचिस जलाई ही थी कि तभी उसे उसके हाथ के पास ही रखा लालटेन दिखाई देता है। दिलीप अपने माचिस से उस लालटेन को जला देता है, जिस कारण रोशनी होने लग जाती है। उसे सब चीजें अब साफ दिखाई देने लग जाती हैं। दिलीप एक हाथ से लालटेन पकड़ता है और दूसरे हाथ से मकड़ी के जालों को साफ करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। दिलीप डरते हुए हवेली के अंदर अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कालों के काल महाकाल तेरे साथ है दिलीप, डर मत, अपने कदम आगे बढ़ा, दिलीप आगे बढ़, डर मत।
खजाना यहीं पर है, ढूंढ उसे दिलीप, ढूंढ। यही सब बड़बड़ाते हुए दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। दिलीप के मन में डर तो था, पर खजाना मिलने की आस भी थी। उसी आस के साथ दिलीप डरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। एक एक करके दिलीप हवेली के हर कमरे की छानबीन करने लग जाता है, हवेली के अंदर छुपा गुप्त धन ढूंढने लग जाता है, पर उसे वो गुप्त धन कहीं नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां से उसने हवेली के अंदर गुप्त धन ढूंढना शुरू किया था। दिलीप परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या, मैंने तो पूरी हवेली छानमारी, पर यहाँ पर तो कोई गुप्त धन है ही नहीं। वो यहाँ पर है भी या नहीं, पर उसे होना तो यहीं पर चाहिए था। आखिर अघोरी यक्षिणी से लड़ने गया था तो वो उस गुप्त धन को अपने साथ थोड़ी लेकर गया होगा, उसे उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, वो गुप्त धन यहीं पर होगा। ढूंढ दिलीप उस गुप्त धन को, ढूंढ, वो यहीं पर है। दिलीप एक बार फिर हवेली के हर कमरे में गुप्त धन ढूंढने लग जाता है। गुप्त धन को ढूंढने में वो इतना खो गया था कि अब तो उसके अंदर से अघोरी का डर भी खत्म हो गया था। दिलीप फिर पूरी हवेली छान मारता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, उसके हाथ खाली के खाली रहते हैं। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, अब किस कमरे में जाए और वो गुप्त धन ढूंढे। दिलीप इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसी वक्त उसके सामने अचानक से एक काला कुत्ता आ जाता है। अंधेरे में वो कुत्ता कहां से आ गया था ये उसे पता भी नहीं चला था। एक पल के लिए दिलीप उस काले कुत्ते को देखकर डर जाता है, पर अगले ही पल उसे अपने हाथ से भगाते हुए कहता है, हट हट। उसी वक्त वो काला कुत्ता अपने जंगली दांत बाहर निकालकर दिलीप पर गुर्राते हुए भौंकने लग जाता है। उस कुत्ते के दांत देखकर दिलीप डरने लग जाता है, उसे कुत्ते के काटने का डर सताने लग जाता है और वो भागने लग जाता है। वो कुत्ता दिलीप का पीछा छोड़ता नहीं है, बल्कि उसी के पीछे भागने लग जाता है। दिलीप तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और फट से एक कमरे के अंदर घुसकर उसका दरवाजा लगा देता है। जैसे ही दिलीप उस कमरे के अंदर घुसता है, वो कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। दिलीप उस कुत्ते के डर के कारण एकदम कमरे के अंदर घुस गया था। दिलीप उस कमरे के अंदर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस कमरे के एक और दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर उसकी नजर पहले दो बार छानबीन करने पर नहीं पड़ी थी। दिलीप उस दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये कौन सा दरवाजा है, पहले तो मुझे दिखाई नहीं दिया था। दिलीप अगले ही पल उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहा था, वो जगह संकरी होती जा रही थी। वो रास्ता दिलीप को कहीं और नहीं बल्कि तहखाने के अंदर ले जा रहा था, वही तहखाना जिसके अंदर बैठकर अघोरी जादू टोना किया करता था, अपने काले कामों को अंजाम दिया करता था। जब दिलीप तहखाने के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उस तहखाने के अंदर कई प्रकार का काले जादू का सामान रखा हुआ था और उसी तहखाने के अंदर बीचों बीच एक संदूक रखा हुआ था। दिलीप की नजर उसी संदूक पर गड़ी हुई थी। दिलीप उस संदूक को देखकर खुश हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दिलीप खुश होते हुए कहता है, मिल गया, मिल गया, मैंने अघोरी का गुप्त धन ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया उसे। दिलीप तुरंत उस संदूक के पास जाता है। वो देखता है कि उस संदूक की चाबी पहले से उसके अंदर लगी हुई थी। दिलीप झट से उस संदूक को खोलता है। संदूक के खुलते ही उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है। उस संदूक के अंदर कुछ और नहीं बल्कि किताब रखी हुई थी, अघोरी के जादू टोने की काली किताब। दिलीप मायूसी के साथ कहता है, ये क्या, ये संदूक तो खाली है, इसके अंदर तो गुप्त धन है ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी, इस पुरानी बेकार किताब का क्या करूंगा मैं, आखिर उस अघोरी ने इसे यहाँ पर इतना संभाल कर क्यों रखा है। यही सब कहते हुए दिलीप उस किताब को उठाता है और उसके पेज पलटाने लग जाता है। ये वही किताब थी जिसके अंदर अघोरी ने अपने काले जादू टोना करने के तरीके लिखे हुए थे, साथ में यक्षिणी को कैसे काबू किया जा सकता है, कैसे कैद किया जा सकता है, सब कुछ लिखा हुआ था। वो किताब अघोरी ने ही लिखी थी, वो एक संग्रह तैयार कर रहा था, काले जादू के तरीकों का संग्रह। दिलीप उस किताब के पेज पलटा ही रहा था कि तभी उस किताब में से एक सफेद कागज नीचे गिरता है। दिलीप तुरंत उसे उठाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था, वही नक्शा जो अमोदिता के हाथ लगा था। दिलीप खुद से बड़बड़ाता है, ये किस चीज का नक्शा है। दिलीप उस नक्शे को देखते हुए कहता है, देखने से तो ये किसी खुफिया जगह का नक्शा लगता है, और ये मेहंदी पथार का ही है, कहीं यही जगह तो नहीं है जहां पर अघोरी ने अपना गुप्त धन छुपा कर रखा हुआ है। दिलीप खुद से बड़बड़ाता है, हाँ यही जगह होगी, तभी तो इस नक्शे को यहाँ पर इस संदूक के अंदर छुपा कर रखा गया था,
जरूर इसे अघोरी ने यहाँ पर रखा होगा। दिलीप अगले ही पल उस नक्शे में जो जगह थी वहां पर जाने लग जाता है। वो इतनी फुर्ती के साथ तहखाने के बाहर निकलता है कि कुत्ते के बारे में भूल ही जाता है। कमरे के बाहर निकलने पर उसे वो काला कुत्ता भी दिखाई नहीं देता है जो उस पर भौंक रहा था। दिलीप का भी उस कुत्ते पर ध्यान नहीं जाता है और नक्शे में जो जगह थी उस तरफ अपने कदम बढ़ाते रहता है। नक्शे के मुताबिक चलते चलते दिलीप उस जगह पर आ पहुंचता है जहां पर अघोरी ने यक्षिणी की तरह दिखने वाली 5 मूर्तियां बनाई थी। यक्षिणी को मूर्ति में कैद करने के लिए नक्शे में सबसे आसान रास्ता था उस जगह पर पहुंचने का, जिस कारण दिलीप को वहां पर पहुंचने के लिए किसी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ता है। कोई पड़ाव पार नहीं करना पड़ा था जो युग और उसके दोस्तों को करना पड़ा था वहां पर पहुंचने के लिए। दिलीप उस जगह पर आकर दंग रह गया था। वो आज से पहले इस जगह पर कभी नहीं आया था, ना ही उसने ऐसी जगह पहले कभी देखी थी। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को देखे जा रहा था। दिलीप उस जगह को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन सी जगह है? नक्शे में तो यहीं पर आना था, पर यहाँ पर तो मुझे कहीं भी गुप्त धन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर वो कहाँ पर है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। दिलीप उस जगह को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन सी जगह है? नक्शे के मुताबिक तो यहीं पर आना था, पर यहाँ पर तो मुझे कहीं भी गुप्त धन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर वो कहाँ पर है? दिलीप अपने आसपास देखने लग जाता है, पर उसे कहीं भी ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर खजाना हो। उसे अपने आसपास कोई संदूक भी दिखाई नहीं देता है जिसके अंदर अघोरी का गुप्त धन छुपा हुआ हो। दिलीप फिर से निराश हो जाता है। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है कि उसने इतनी मेहनत करी थी पर तब भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, वो अभी भी खाली हाथ ही था। दिलीप खुद को कोसते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, कोई गुप्त धन है ही नहीं, मैं ही पागल था जो गुप्त धन के लालच में यहाँ पर आ गया। यही सब कहते हुए दिलीप वहां से वापस जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर लकड़ी से बनी 5 मूर्तियां थी। वो उनके पास जाता है और उसे देखता है तो उसकी नजर उनमें से एक मूर्ति पर पड़ती है और वो देखता है कि वो एक मूर्ति उन 5 मूर्तियों में से कुछ अलग थी। उसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो नोटिस करता है कि देखने में तो सभी मूर्तियां एक सी लग रही थी, लेकिन वो वाली जो मूर्ति थी वो कुछ अलग थी। उस वाली मूर्ति में यक्षिणी का निखार और ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। उसे एकटक नजर से देखने पर तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो कोई मूर्ति नहीं, वहां पर सच में यक्षिणी हो। दिलीप उस मूर्ति में एक और बात नोटिस करता है कि उस मूर्ति के कान में एक झुमका था, सोने का झुमका जो अंधेरे में और ज्यादा चमक रहा था। उस सोने के झुमके को देखकर दिलीप की आंखें चौंधिया गई थी। अब उसे लगने लग जाता है कि वो एकदम सही जगह पर आया था। हो न हो अघोरी ने गुप्त धन वहीं कहीं छुपाया था। उसे उसके अंदर से आवाजें आने लग जाती हैं। उसका मन बार बार यही कहने लग जाता है कि अघोरी का गुप्त धन वही है, बस उसे ढूंढने मात्र की देर है। दिलीप बौखलाहट के साथ उस मंदिर में से वो झुमका निकाल लेता है और अगला झुमका निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि उस मूर्ति के कान में दूसरा झुमका नहीं था। दिलीप उस मूर्ति को देखते हुए कहता है, ये क्या? इस मूर्ति का एक झुमका तो गायब है, दूसरा झुमका कहाँ पर गया? दिलीप ने इतना कहा ही था कि तभी उसके हाथ में जो पहला झुमका था वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। दिलीप जब उस झुमके को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि जहाँ पर पहला झुमका गिरा हुआ था उसके पास ही दूसरा जोड़ी झुमका भी गिरा हुआ था। दिलीप खुश होते हुए कहता है, मिल गया दूसरा झुमका भी। दिलीप अगले ही पल दोनों झुमकों को उठा लेता है और जब वो उन दोनों झुमकों को उठाकर एक बार फिर मूर्ति को देखता है तो उसे वो मूर्ति अधूरी अधूरी सी लगती है, जैसे उस मूर्ति में कोई कमी हो। दिलीप के मन में न जाने क्या आता है, वो झुमके वापस से उस मूर्ति के कान में लगाने लग जाता है। जैसे ही दिलीप उस मूर्ति के कान में दोनों झुमके लगाता है वो देखता है कि उसके सामने जो सकरी नदी बह रही थी वो दो हिस्सों में बंटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस नदी को तलवार से दो हिस्सों में काट रहा हो। ये सब देखकर दिलीप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देखते ही देखते वो नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। दो हिस्सों में बंटने के बाद भी उसका पानी बहते जा रहा था।
लेकिन बीच वाले हिस्से में नहीं आ रहा था। वो जगह खाली थी। जैसे पानी दो हिस्सों में बंटता है, दिलीप को उस नदी के बीचों बीच एक संदूक दिखाई देता है। दिलीप अगले ही पल भागते हुए उस संदूक के पास जाने लग जाता है। वो बौखलाहट के साथ उस संदूक के पास पहुंचता है और उसे खोलने लग जाता है। जब दिलीप उस संदूक को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो संदूक हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ था। दिलीप इतने सारे धन को एक साथ देखकर पगला जाता है और पागलों की तरह चीखते हुए कहता है, मिल गया मुझे अघोरी का गुप्त धन। दिलीप उस संदूक में से सोना चांदी बाहर निकालने लग जाता है। दिलीप उस संदूक से लगातार धन बाहर निकालते जा रहा था। वो बड़ी फुर्ती के साथ उस संदूक को खाली करने में लगा हुआ था, जैसे उसने सोच लिया हो कि वो उस संदूक को खाली करके ही रहेगा, उसके अंदर एक सोने का सिक्का तक नहीं छोड़ेगा। दिलीप उस संदूक को खाली करने में लगा ही हुआ था कि तभी उसके अंदर का सामान निकालते हुए उसके हाथ दुखने लग जाते हैं। उसके हाथों में दर्द होने लग जाता है, वो थकने लग जाता है। दिलीप उस संदूक के अंदर का सामान बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वो संदूक में से सामान तो बाहर निकाल रहा था, पर उसके अंदर का सामान कभी नहीं हो रहा था, बल्कि वो अभी भी उतना ही था जितना तब था जब उसने संदूक को खोला था। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। उसे लग रहा था ये उसका कोई वहम है, इसी वजह से वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बल्कि हाथ दर्द होने के बावजूद भी संदूक के अंदर का सामान बाहर निकालते रहता है। पर कुछ ही देर में उसे इस चीज का एहसास हो जाता है कि ये सब उसका वहम नहीं था, बल्कि हकीकत में संदूक का सामान कम नहीं हो रहा था, वो उतने का उतना ही था। अगले ही पल दिलीप को समझ आ जाता है कि उसके हाथ में जो संदूक लगा था वो कौन सा संदूक था। वही संदूक जिसकी उसने बचपन में उसकी माँ से कहानियां सुनी थी पर कभी यकीन नहीं किया था। हम कहानियों को तब तक झूठा मानते हैं जब तक वो कहानी हमारे साथ घटित नहीं हो जाती है, और आज दिलीप भी अनंत संदूक वाली कहानी पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया था। उसके हाथ आखिर अनंत संदूक जो लग गया था। दिलीप खुश होते हुए कहता है, ये क्या, मेरे हाथ तो अनंत संदूक लग गया, वो अनंत संदूक जिसका खजाना कभी खाली नहीं होता। दिलीप पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। दिलीप खुशी से पगला गया था, पागल होता भी कैसे नहीं, उसके हाथ अनंत संदूक जो लग गया था। दिलीप उस अनंत संदूक को देखते हुए कहता है, मैं करोड़पति बन गया, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, मुझसे अमीर कोई नहीं। मैं ये सब कुछ ले जाऊंगा, ये अनंत संदूक भी, ये सब कुछ मेरा है, मेरा है। दिलीप पागलों की तरह हंसते हुए खुद के ऊपर अभिमान कर ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आ जाता है। उस ख्याल से वो परेशान हो जाता है। अनंत संदूक मिलने से उसके चेहरे पर जितनी रौनक आई थी, धीरे धीरे वो रौनक उसके चेहरे पर से उड़ने लग गई थी। दिलीप परेशान होते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं इस संदूक को यहाँ से कहीं और ले गया और किसी की इस पर नजर पड़ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ये संदूक उसके हाथ लग सकता है और मैं नहीं चाहता ये संदूक मेरे सिवा किसी और के भी हाथों लगे, इसलिए मैं इस संदूक को यहीं पर रखूंगा, यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा, यही इसकी सही जगह है। दिलीप अपना दिमाग और दौड़ाते हुए फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं धीरे धीरे इसके हीरे जवाहरात यहाँ से निकालते रहूंगा, जैसे जैसे मुझे इसकी जरूरत पड़ती जाएगी, एक साथ ज्यादा धन ले जाने में भी दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं धीरे धीरे ये सब कुछ करूंगा, सब्र से काम ले दिलीप, सब्र से काम ले। जैसा दिलीप ने सोचा था उसने वैसा ही किया। उसने उस अनंत संदूक को वहीं पर रहने दिया, वहां से वो उसे कहीं भी नहीं ले गया। उसने उस अनंत संदूक के बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपनी पत्नी जानकी को भी नहीं, जिससे वो प्यार करने लग गया था। दिलीप ने उस अनंत संदूक को उसके अंदर के गुप्त धन की तरह गुप्त ही रखा। उसके बाद दिलीप ने वो नक्शा जो उसके हाथ लगा था उसे हवेली में तहखाने के अंदर संदूक के अंदर ही रख दिया था, और साथ ही उस मूर्ति में के झुमके को भी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो मूर्ति एक ताला थी और वो झुमका उस ताले की चाबी, जिससे नदी का द्वार खुलता था और अनंत संदूक दिखाई देता था। दिलीप के हाथों वो अनंत संदूक ऐसे ही नहीं लग गया था, इन सब चीजों के पीछे एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश, और वो साजिश किसी और की नहीं बल्कि अघोरी की थी। वो कुत्ता जो हवेली के अंदर दिलीप पर भौंक रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि अघोरी ही था, जिसे यक्षिणी ने कुत्ता बना दिया था। अघोरी जानबूझकर दिलीप पर भौंकते हुए उसे कमरे तक ले गया था ताकि उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ जाए। वो जानता था कि अगर दिलीप एक बार तहखाने तक पहुंच गया तो उसकी नजर तहखाने में रखी संदूक पर जरूर पड़ेगी।
क्योंकि वो गुप्त धन ही ढूंढ रहा था। सालों बाद अघोरी को कोई ऐसा मिला था जो उसे यक्षिणी के श्राप से मुक्ति दिलाकर वापस से इंसान रूप दिला सकता था। इसलिए अघोरी ने आसानी से दिलीप को हवेली के अंदर घुसने दिया था, उसे वहां तक ले गया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा अघोरी ने सोचा था। दिलीप ने त्रिकोण हवन कुंड का कभी उपयोग किया ही नहीं, जिस कारण अघोरी का श्राप टूट नहीं पाया। पर उसकी ये मेहनत बर्बाद नहीं हुई। सालों बाद अमोदिता की नजर जब उस अनंत संदूक पर पड़ी और उसके हाथों संदूक में रखा हुआ नक्शा और झुमका लगा और वो अनंत संदूक के पास पहुंची। अमोदिता ने ही अघोरी को यक्षिणी के श्राप से छुटकारा दिलाया था जाने अनजाने में। अघोरी जो काम दिलीप के हाथों नहीं करवा पाया था वो अमोदिता ने कर दिया था। जब अनंत संदूक दिलीप के हाथ लग गया तो धीरे धीरे करके उसने उसका खजाना निकालना शुरू कर दिया और जानकी की भी उस खजाने के हीरे जवाहरातों गहनों पर नजर भी पड़ी और उसने दिलीप से पूछा भी उसके पास इतना सब कुछ कहां से आया। पर दिलीप ने जानकी को कुछ नहीं बताया, बस गुस्से के साथ कह दिया कि अपने काम से काम रखे वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके मायके छोड़कर आ जाएगा और अपने लिए एक नई घरवाली ले आएगा जो उससे कुछ नहीं पूछा करेगी। उस दिन के बाद से जानकी की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो दिलीप से कुछ पूछ सके। दिलीप हीरे जवाहरात गहने अनंत संदूक में से निकाल कर लाता था और जानकी को दे दिया करता था और एक आदर्श पत्नी की तरह वो भी अपने पति से बिना कोई सवाल किए उन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लिया करती थी। सुदेश की भी इन सब चीजों पर नजर पड़ गई पर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने जीजा से कुछ पूछ सके। वो जानता था दिलीप से सवाल जवाब करना मतलब आफत को दावत देना, इसलिए वो दोनों बहन भाई सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। उस दिन के बाद दिलीप कई बार हवेली में अकेला गया और जब भी वो उस हवेली में जाता था उसे उस हवेली में एक अपनापन लगता था। डर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो हवेली उसी के लिए बनी हो, वही उस हवेली का मालिक हो और कई सालों से वो हवेली खुद अपने मालिक की तलाश कर रही थी और उस हवेली ने ही उसे अपनाया हो। जब से उसके हाथ अनंत संदूक लगा था हवेली के प्रति उसका डर भी खत्म हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो इस हवेली को ही अपना ठिकाना बनाएगा, अपना घर बनाएगा। दिलीप ने अपने पैसों के दम से वापस से हवेली को चमका दिया था, उसे रहने लायक बना दिया था। दिलीप अपनी पत्नी बच्चे और साले के साथ हवेली में रहने के लिए आ गया। इस बार जानकी और सुदेश ने दिलीप से सवाल तो पूछे पर हर बार की तरह इस बार भी दिलीप ने उनके सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। सीधे कह दिया या तो मेरे साथ हवेली में रहने चलो या फिर इस पागल अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहो। पर वो ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहने वाला था। जानकी और सुदेश क्या करते, वो लोग दिलीप के साथ जाने के लिए मजबूर थे। वो उसके साथ उस रिश्ते की डोर से बंधे हुए थे जिसे वो चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकते थे। वो भी दिलीप के साथ ही हवेली में रहने के लिए चले गए पर बल्लू नहीं गया, वो अनुराग के साथ ही रहा क्योंकि उसे ब्रजेश्वर से किया हुआ वादा याद था। इस बात से दिलीप बल्लू से बहुत नाराज था कि वो उसका पुश्तैनी नौकर होकर अनुराग के साथ रह रहा था। उसे बल्लू में से गद्दारी की बू आ रही थी। कुछ ही महीनों दिन में दिलीप के रंग बदल गए। उसने गांव में ही कई जमीन और खेत भी खरीदे। गांव वाले भी ये सोचकर हैरान थे कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। जब दिलीप के पास पैसे आए तो उसके कई पैसे वाले दोस्त भी बने जिनमें से दो रोंगकामुचो और बंगलामुड़ा गांव के सरपंचों के बेटे रतन पाली और भूपेंद्र बख्शी थे। जहां एक ओर दिलीप अमीर पर अमीर बनते जा रहा था वहीं दूसरी तरफ अनुराग गरीब पर गरीब होते जा रहा था। ब्रजेश्वर उसके लिए जो पैसा छोड़कर गया था वो भी खत्म होने लग गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारा करता भी तो क्या, अभी तो उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई थी, वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अनुराग ने कई बार बल्लू से बोला कि वो दिलीप के पास रहने के लिए चले जाए पर बल्लू नहीं गया। बिना कोई भत्ते के अनुराग की सेवा करता गया। कई बार तो वो अपनी जेब खर्च से राशन ले आता था। कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाता है और अनुराग का बुरा वक्त भी गुजरने वाला था। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आया, वो पड़ाव जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाते हैं और अनुराग का बुरा वक्त भी गुजरने वाला था। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आया, वो पड़ाव जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अनुराग ने 12वीं क्लास के जो एग्जाम दिए थे उसके रिजल्ट आ गए थे जिसमें वो सिर्फ पास नहीं हुआ था बल्कि अपने क्षेत्र में टॉप भी किया था।
अनुराग ने टॉप कैसे किया था ये बात उसे भी पता नहीं चली थी। वो तो खुद बहुत कम अपनी कोर्स की किताब पढ़ता था, पर जब भी पढ़ता था तो उन कोर्स की किताबों को भी कहानियों के रूप में अपने मन में बसा लेता था, जिससे उसे सब कुछ आसानी से याद हो जाया करता था। यही कारण था कि उसने अपने क्षेत्र में टॉप कर दिया था। क्षेत्र में टॉप करने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलने का प्रबंध हो गया था, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना पड़ रहा था, जो वो नहीं चाहता था। वो ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ना नहीं चाहता था, पर अपने सपनों के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सफलता कुर्बानी मांगती है। अनुराग को एक बड़ा लेखक बनना था, और वो ये बात अच्छे से जानता था कि सिर्फ गांव में रहकर वो लेखक नहीं बन सकता था। जिस जगह वो रहता था वहां पर तो उसे पढ़ने के लिए किताबें भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार तो किताबें लेने के लिए उसे मेहंदी पथार के बाहर दूसरे शहर जाना पड़ता था। ऐसे में वो वहां पर रहकर लेखक कैसे बनता भला? अनुराग को लेखक बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने का फैसला कर लेता है, जहाँ पर उसके रहने खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा सब स्कॉलरशिप पर आसानी से हो सकता था। जब अनुराग ने बल्लू को बताया कि उसने अपने क्षेत्र में टॉप किया है, तो बल्लू खुशी से फूले नहीं समाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे अनुराग पर बहुत गर्व होने लग जाता है। होता भी कैसे नहीं, अनुराग ने काम ही कुछ ऐसा किया था। उसकी आंखें ये सोचकर नम हो जाती हैं कि अगर बृजेश्वर इस वक्त जिंदा होता तो ये बात सुनकर कितना खुश होता, उसे अनुराग पर कितना अभिमान होता। पर अगले ही पल बल्लू के चेहरे की सारी रौनक चली जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है जब अनुराग उसे बताता है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा था। बल्लू जानता था कि अनुराग उसे अपने साथ शहर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि स्कॉलरशिप पर सिर्फ अनुराग का ही शहर में गुजारा हो सकता था, बल्लू का नहीं। इसलिए बल्लू खुशी खुशी अनुराग को शहर जाने के लिए कह देता है, और साथ में ये भी कहता है, आप जाइए अनुराग मालिक, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, मैं हूँ ना यहाँ पर। ग्रेवयार्ड कोठी का ख्याल मैं रखूंगा आपके आने तक, आप निश्चिंत होकर जाइए। अनुराग जानता था कि बल्लू अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रह सकता, रहता भी कैसे? ग्रेवयार्ड कोठी में तो अब खाने पीने का राशन भी लगभग खत्म ही हो चुका था। बल्लू के पास कोई दूसरा सोर्स भी नहीं था जहाँ से वो कमा कर खा पी सके। वो तो बहुत पहले से ही बृजेश्वर के रहमो करम पर जीते आ रहा था। अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की गुलामी में लगा दी थी उसने, सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों ने भी। एक प्रकार से वो सब बंधुआ मजदूर ही थे, जिनकी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बाद अपने मालिकों की सेवा करती रहती थी। अनुराग बल्लू से बड़े प्यार से कहता है, नहीं बल्लू काका, आप ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले नहीं रहेंगे, अब यहाँ पर बचा ही क्या है? मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ पर मेरे लिए ही रुके हुए थे, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी देखरेख करने के लिए, पर अब तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर रुककर क्या करेंगे? बल्लू कहता है, पर मैं यहाँ से कहाँ पर जाऊँगा अनुराग मालिक, आप ही ने तो कहा कि मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकता, वरना मैं तो आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं, आपके साथ ही शहर चल देता। अनुराग जवाब देता है, आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो क्या हुआ बल्लू काका, पर आप दिलीप भैया के साथ तो जा सकते हैं ना, वो भी तो आपके मालिक ही है ना। बल्लू अनुराग की बात में हामी भरते हुए कहता है, वो तो है मालिक, पर मैं कैसे उनके पास जा सकता हूँ, मुझे तो बड़े मालिक ने आपकी। बल्लू अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे पता है बल्लू काका कि पिताजी ने जाने से पहले आपको मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था, पर अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मेरा नहीं बल्कि दिलीप भैया का ख्याल रखना है, उनके परिवार की देखरेख करनी है, मैं अपना ख्याल अब खुद रख सकता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। बल्लू अनुराग से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, बल्लू काका प्लीज मेरे लिए, आप मुझे अपना मालिक कहते हैं ना, तो आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे। बल्लू खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। अनुराग फिर कहता है, मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, पर मेरा मन यहीं पर लगा रहेगा, दिलीप भैया भले ही मुझे अपना भाई न माने, पर मैं उन्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ, विराट से भी मुझे बहुत लगाव है, मैं भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ, और जानकी भाभी वो तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद आप उन्हीं के साथ रहें, दिलीप भैया और उनके परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करते रहे, सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहकर पल पल की खबर मुझ तक पहुँचाते रहे, ताकि उनका हाल चाल शहर में रहकर भी मुझे पता चलता रहे। एक पल के लिए अनुराग के दिल में दिलीप और उसके परिवार के प्रति अनुराग का प्यार देखकर बल्लू की आंखें भर आई थी।
उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, काश अनुराग ब्रिजेश्वर का सगा बेटा होता और वो हमेशा उसी की सेवा कर सकता। अनुराग के इतना सब कुछ कहने के बाद भी बल्लू अनुराग की बात मानने में आनाकानी करते हुए कहता है, पर अनुराग मालिक, अगर मैं भी यहाँ से चले गया तो फिर इस ग्रेवयार्ड कोठी का ख्याल कौन रखेगा, और फिर जब आप लौट कर आएंगे तब क्या? अनुराग जवाब देता है, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला बल्लू काका। बल्लू मायूसी के साथ कहता है, क्या कहा मालिक, आप वापस नहीं आएंगे? अनुराग बल्लू को समझाते हुए कहता है, बल्लू काका, मैंने कहा मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा। आऊंगा पर कब ये मुझे नहीं पता, 3 साल लग जाएंगे, तब तक आप इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले क्या करेंगे, इसलिए आप दिलीप भैया के पास चले जाइए, और रही इस ग्रेवयार्ड कोठी की देखरेख की बात, तो ये कोठी खुद अपना ख्याल रख लेगी, जिस तरह कहानियां अपना ख्याल खुद रखती हैं। बल्लू हिचकिचाहट के साथ कहता है, क्या कहा आपने अनुराग मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अनुराग हंसते हुए ही कहता है, आप नहीं समझेंगे बल्लू काका, आप लेखक नहीं है ना। बल्लू कहता है, सही कहा आपने मालिक, एक लेखक की बात तो सिर्फ उसके पाठक ही समझ सकते हैं। आप एक दिन बहुत बड़े लेखक बनेंगे अनुराग मालिक, देखना। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, लेखक बनने ही तो शहर जा रहा हूँ मैं बल्लू काका, पढ़ने थोड़ी, बस आप यहाँ पर मेरे परिवार का ख्याल रखना जो हवेली में रहता है, मैं भी आपको अपनी खबर देते रहूंगा, मेरी फिक्र मत करना। ना चाहते हुए भी अनुराग के लाग कहने पर बल्लू को अनुराग की बात आखिर में माननी ही पड़ती है, और वो अगले ही दिन दिलीप के पास उसकी हवेली में उसके साथ रहने के लिए चले जाता है। पहले तो दिलीप बल्लू को अपने साथ रखने से मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि बल्लू उसके बहुत काम का आदमी है, तो वो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अनुराग अभी 17 साल का ही हुआ था, जिस कारण यक्षिणी उसके सामने नहीं आ रही थी। यक्षिणी ने अनुराग से वादा किया था कि वो तभी अब उससे मिलेगी जब अनुराग की मौत का वक्त आ जाएगा। यक्षिणी को मुक्ति चाहिए थी, इसलिए यक्षिणी भी अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी से जाने से नहीं रोक पाती है, उसे उसकी बाकी की बची जिंदगी अच्छे से जीने देती है। उसे लग रहा था कि कुछ ही साल में अनुराग वापस आ जाएगा। अपने अभिशाप के कारण यक्षिणी भी उस जगह पर बंद गई थी, जिस कारण वो भी अनुराग के साथ नहीं जा पाती है। अनुराग अकेले ही अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल पड़ता है। लोग शहर जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने के लिए, पढ़ लिख कर अच्छी सी सरकारी नौकरी पाने के लिए, पर अनुराग शहर जा रहा था एक लेखक बनने के लिए। उसके सपने बाकी लोगों के सपनों से काफी अलग थे। उसे भी इस बात की खबर नहीं थी कि उन सपनों को सच करने के लिए वो मेघालय से कोसों दूर दिल्ली आ जाएगा। फॉर्म तो उसने कई कॉलेज के भरे थे, पर उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुआ था, वहीं से वो जर्नलिज्म में BA कर रहा था। एक लेखक बनने के लिए उसे यही कोर्स सबसे सही लगा था, क्योंकि जिस तरह एक जर्नलिस्ट कई सवाल जवाब पूछता है, उसी तरह एक लेखक अपनी कहानी के पात्रों से सवाल करते रहता है, उनको कटघरे में खड़े करता रहता है, जिसके जवाब उसी के पास मौजूद होते हैं। एक साल तो अनुराग को बस दिल्ली को जानने, वहाँ के तौर तरीके समझने और वहाँ पर जमने में लग गया था। लगता भी कैसे नहीं, वो पहली बार मेहंदी पठार से बाहर जो निकला था, वो अपने सपनों को सच करने के लिए कोसों दूर आ गया था। अनुराग दिल्ली में ही एक किराए के टीन के मकान में रहता था, उसी कमरे को उसने किताबों से सजा दिया था। उसका कमरा सेकंड हैंड किताबों से भरा हुआ था। जब भी उसके पास पैसे बचते थे, वो दरियागंज से कोई सा पुरानी जासूसी उपन्यास खरीद लिया करता था। दिल्ली शहर आकर भी अनुराग बिल्कुल नहीं बदला था। अनुराग कॉलेज भी जाता था तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए, वरना वो अपने कमरे में ही दिन भर बैठ कर किताबें पढ़ते रहता था, कहानियां गढ़ते रहता था। यही कारण था कि 1 साल होने के बावजूद भी अनुराग का कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बन पाया था। वो बात भी लोगों से कम किया करता था। अक्सर कई लेखकों को लोगों से कम और अपनी कहानियों से बात करने में ज्यादा मजा आता था। अनुराग भी उन्हीं लेखकों में से एक था। उसके लिए आज भी कहानियां ही उसकी दुनिया थी, जो उम्र भर के लिए रहने वाली थी। अनुराग के कॉलेज में ही उसके एक टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर स्टीफन। मिस्टर स्टीफन ही थे जो अनुराग को बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे से समझने लग गए थे। वो जान गए थे कि अनुराग के अंदर एक महान लेखक बनने की प्रतिभा है। उन्हें अनुराग के अंदर का लेखन के प्रति जोश और जुनून साफ नजर आता था। मिस्टर स्टीफन अनुराग को इसलिए इतने अच्छे से जान पाए थे क्योंकि मिस्टर स्टीफन ही अनुराग के मकान मालिक थे। अनुराग कहीं और नहीं बल्कि उनके ही घर की छत पर बने टिन के शेड में रहा करता था। जब भी मिस्टर स्टीफन का छत पर जाना होता था, वो उसकी खुली खिड़की से देखते थे कि अनुराग अपने कमरे में हमेशा या तो उन्हें कोई नई सी किताब पढ़ते हुए दिखता या फिर कुछ लिखते हुए दिखता था। मिस्टर स्टीफन को अनुराग पसंद तो था, बस उसकी एक आदत बुरी लगती थी कि वो कभी अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था, किताबी कीड़ा बनकर रहता था।
जिस कारण उसके दोस्त बिल्कुल बन ही नहीं पाए थे। मिस्टर स्टीफन ने अनुराग से कई बार बोला था कि वो लोगों से मिला करे, हफ्ते में एक दो दिन कॉलेज जाया करे जिससे उसके दोस्त बन सके। जीवन में दोस्त बहुत जरूरी होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, पर अनुराग ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी कहानियों में मगन रहता था। कमरे से बाहर भी निकलता था तो सिर्फ चाय पीने के लिए, जो उसे बाहर की ही अच्छी लगती थी। मिस्टर स्टीफन के बार बार कहने पर भी जब अनुराग नहीं माना तो मिस्टर स्टीफन को अनुराग के साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो कॉलेज नहीं गया तो उसे इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। मिस्टर स्टीफन का कॉलेज में अच्छा रौब था, कई टीचर उन्हीं की बात माना करते थे, जिस कारण अनुराग को ना चाहते हुए भी सेकेंड ईयर से कॉलेज जाना पड़ रहा था। अनुराग ने कॉलेज जाना तो शुरू कर दिया था, पर उसके नेचर में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी गुमसुम, कम बात करने वाला, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, जिस कारण अभी भी उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था। दोस्त बनता भी कैसे, कॉलेज में उसने अपने लिए और अपनी किताबों के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था, और वो थी कॉलेज की लाइब्रेरी। अनुराग दिन भर वहीं पर बैठे रहता था, लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते रहता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुराग ने एक महीने के अंदर ही लाइब्रेरी की आधे से ज्यादा किताबें चाट मारी थी। वहाँ के लाइब्रेरियन से ज्यादा अच्छे से उसे ये बात पता रहती थी कि कौन सी किताब कहाँ पर जमी होगी। अनुराग को जो किताब मिलती थी वो उसे पढ़ मारता था। उसका कहना था कि एक लेखक को हर विधा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो सारी विधाओं की किताबें पढ़ते रहता था। अनुराग कॉलेज में आकर सिर्फ मिस्टर स्टीफन की क्लास ही अटेंड किया करता था, बाकी का सारा वक्त वो लाइब्रेरी में बिताया करता था। इसलिए क्लास के बाकी के स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि अनुराग नाम का शख्स उनकी क्लास में पढ़ता भी है या नहीं। अनुराग बाकी के लोगों के लिए वहाँ होकर भी नहीं था। हमारी जिंदगी में कुछ लोग फरिश्तों की तरह ही आते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी के हमसफर से मिलाते हैं, और मिस्टर स्टीफन भी अनुराग की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह ही आए थे। अगर वो अनुराग की जिंदगी में नहीं आए होते तो अनुराग को कभी उसकी जिंदगी का हमसफर नहीं मिलता। मिस्टर स्टीफन की बदौलत ही अनुराग को वो शख्स मिला जिसने अपने रंगों से अनुराग की बेरंग जिंदगी में रंग भर दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। मिस्टर स्टीफन की बदौलत ही अनुराग को वो शख्स मिला जिसने अपने रंगों से अनुराग की बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। हर दिन की तरह अनुराग कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और इस वक्त वो अपने पसंदीदा लेखक सहादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त पढ़ रहा था, जिसे पढ़ने में वो पूरी तरह डूब गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहानी उसके सामने चल रही हो। अनुराग की यही खासियत थी, जब भी वो कोई कहानी पढ़ता था वो उसे पढ़ने में इतना खो जाता था कि उसकी भूख प्यास सब मर जाया करती थी। वो तभी अपनी जगह पर से उठता था जब उस किताब को पढ़कर खत्म कर दिया करता था। कहानी पढ़ते वक्त उसकी आंखों के सामने उस कहानी के पात्र आ जाया करते थे, जो आपस में बातें किया करते थे जैसे वो खुद अपनी कहानी उसके सामने बयां कर रहे हो। अनुराग लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ था, उसके सिवा लाइब्रेरी में कोई नहीं था, वरना हमेशा तीन चार लोग तो लाइब्रेरी में रहते ही थे जो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, पर ज्यादातर वही लोग लाइब्रेरी में आकर बैठा करते थे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। अनुराग मंटो की कहानी पढ़ ही रहा था कि तभी उसके बगल में उसके टीचर मिस्टर स्टीफन आकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर स्टीफन को वहां पर आए हुए करीब 5 मिनट हो गए थे और वो अनुराग के पीछे ही खड़े हुए थे, पर अनुराग कहानी पढ़ने में इतना डूब गया था कि उसका अगल बगल ध्यान ही नहीं गया था। उसे इस बात की इतनी भी भनक नहीं थी कि उसके पीछे उसके टीचर खड़े हुए थे जो ये देख रहे थे कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। मिस्टर स्टीफन जानबूझकर 2-3 बार खांसते हैं ताकि अनुराग का उन पर ध्यान जाए, पर अनुराग था कि अपनी कहानी पढ़ने में ही डूबा हुआ था, उसका उसके टीचर पर ध्यान ही नहीं गया था। उसने अपनी नजरें किताब पर से जरा सी भी नहीं हटाई थी। जब अनुराग कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो मिस्टर स्टीफन को ही अनुराग को हिलाना पड़ता है और उसकी कहानी में से बाहर निकालना पड़ता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग को हिलाते हुए कहते हैं, अनुराग, अनुराग सुनो। अचानक से किसी का हाथ पीछे से आया तो पहले तो अनुराग बौखला जाता है, डर जाता है, पर जब वो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर स्टीफन खड़े थे, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। वो चैन की सांस लेता है। अनुराग तुरंत किताब अपने हाथ में पकड़कर ही खड़ा होता है और हड़बड़ाहट के साथ मिस्टर स्टीफन से कहता है,
सर आप, मिस्टर स्टीफन कड़क लहजे में कहते हैं, हाँ मैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनुराग ने अपने हाथ में जो किताब पकड़ी थी वो मिस्टर स्टीफन को दिखाते हुए कहता है, किताब पढ़ रहा था सर। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम किताब पढ़ रहे थे, वो भी मंटो की ठंडा गोश्त। अनुराग को लगने लग जाता है कि आज मिस्टर स्टीफन की क्लास थी जो उसने मिस कर दी थी, जिस कारण मिस्टर स्टीफन चलते फिरते वहां पर आ गए थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे। अनुराग अपनी गलती समझते हुए मिस्टर स्टीफन से माफी मांगते हुए कहता है, सर आज आपकी क्लास थी क्या? सॉरी सर, वो। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन उसे बीच में टोकते हुए उस पर फिर से गुस्सा करते हुए कहते हैं, अनुराग तुम किस दुनिया में खोए रहते हो? तुम्हें पता है ना आज कौन सा डे है? आज वेंसडे है और आज के दिन मेरी क्लास नहीं रहती है, जानते हो ना आज क्या है? अनुराग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे नहीं पता था कि आज क्या था, और इस बात का अंदाजा मिस्टर स्टीफन को भी अनुराग का चेहरा देखकर हो जाता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, आज हिंदी दिवस है और उसी के लिए हमारे कॉलेज में 2-3 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम चलने वाले हैं, वो भी इंटर कॉलेज, जिसमें दूसरे कॉलेज से भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने आने वाले हैं, इसलिए सारी क्लासेस 2 दिन तक ऑफ रखी गई हैं। तुम्हें अपने आसपास कोई भी स्टूडेंट नजर आ रहा है इस वक्त? मिस्टर स्टीफन के इतना कहते ही अनुराग अपने आसपास देखने लग जाता है। उसे सिर्फ लाइब्रेरियन वाली मैम दिखाई देती हैं, जो बुक सेल्फ पर किताबें जमा रही थी, वो किताबें जो स्टूडेंट्स ने रिटर्न की थी। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं सर, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ने इतना ही कहा था कि तभी मिस्टर स्टीफन फिर अनुराग पर चिढ़ते हुए कहते हैं, नजर आएगा भी कैसे, सारे बाहर कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तुम हो कि हमेशा की तरह अपनी किताबों में घुसे हुए हो। अनुराग अपना सिर नीचे करते हुए नाराजगी के साथ कहता है, सर आपको तो पता ही है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये सब पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? यूं अकेलेपन में जीना, अपनी दुनिया में खोई रहना? मिस्टर स्टीफन अनुराग के हाथ की किताब को देखते हुए कहते हैं, मंटो तुम्हारे पसंदीदा लेखक है ना, तुम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हो ना? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, सर आपको कैसे पता? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, कैसे पता नहीं होगा अनुराग, तुम उनकी ही कहानियां बार बार जो पढ़ते रहते हो, ये किताब तुम्हारे कमरे में भी रखी हुई है पर फिर भी तुम उसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, जान सकता हूँ क्यों? अनुराग एकदम धीरे से जवाब देता है, वो सर क्या है ना, कहानियां कभी पुरानी नहीं होती हैं, जब भी आप किसी कहानी को दोबारा पढ़ते हैं तो उससे एक नई बात सीखते हैं, और मैं भी वही सीखने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर मिस्टर स्टीफन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्से से उनका चेहरा लाल होने लग जाता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर चिढ़ते हुए कहते हैं, सिर्फ तुमने कहानियों से सीखा है, उस कहानी को जिसने लिखा है उससे कुछ नहीं सीखा है। अनुराग खामोश रहता है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन उससे कहना क्या चाहते थे, उसे क्या समझाना चाहते थे। मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, जानते हो मंटो ने सबसे ज्यादा कहानियां किन पर लिखी है? अनुराग अगले ही पल हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, वैश्याओं पर। मिस्टर स्टीफन फिर पूछते हैं, और क्या ये जानते हो उनकी वैश्याओं की कहानी में इतनी गहराई क्यों है? अनुराग अपनी गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने उन कहानियों के दर्द को अपनाया है, उसे अपना बनाया है। मिस्टर स्टीफन अगले ही पल अनुराग से फिर पूछ बैठते हैं, और उन्होंने उस दर्द को कैसे अपनाया, कैसे उन कहानियों के दर्द को अपना बनाया? अनुराग खामोश रहता है, उसके पास मिस्टर स्टीफन के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। मंटो को दिन रात पढ़ने के बाद भी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, मंटो ने उन कहानियों के दर्द को अपना बनाया है, उन कहानियों को जीकर, और उस कहानियों को अपनाने के लिए उसे अपनी असल जिंदगी में उन कहानियों के पास जाना पड़ा। जानते हो मंटो ने ज्यादातर वही कहानियां लिखी हैं जो उनके आसपास घटित होती थी, वो उन्हीं घटनाओं को कहानियों का रूप दे देते थे जो उनकी खासियत थी। अपनी कहानियां लिखने के लिए मंटो कई बार रेड लाइट एरिया में गए थे, वैश्याओं के दर्द को समझने के लिए, उन दलालों से मिले थे जो उन बेबस बेचारी वैश्याओं के जिस्म का सौदा करते थे, उनके जिस्म को नोच खाते थे। अनुराग बड़े गौर से मिस्टर स्टीफन की सारी बातें सुन रहा था। मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मंटो ने अपनी कहानियों में वैश्याओं का वो दर्द बयां किया था जो कोई लेखक नहीं कर पाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह उन बेचारी वैश्याओं को 2 वक्त की रोटी भी तब मिलती थी जब वो अपना जिस्म बेचती थी।
इसलिए मंटो आज भी अमर है। और अनुराग, यदि तुम्हें भी अमर बनना है, एक महान लेखक बनना है, तो बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा। इन किताबों को पढ़कर तुम्हें कहानियां लिखने का तरीका तो पता चल जाएगा, पर कहानियां नहीं पता चलेंगी। तुम कोई नई कहानी नहीं लिख पाओगे। नई कहानी की तलाश के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। यही हमेशा से चलते हुए आ रहा है। अनुराग खामोशी के साथ मिस्टर स्टीफन की बातें सुन रहा था। ऐसा लग रहा था मिस्टर स्टीफन की सारी बातें उसके दिल में उतर रही थी। मिस्टर स्टीफन अपने पन के साथ बड़े ही नर्म लहजे में अनुराग से कहते हैं, इस दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं, सारी हमारी असल दुनिया से ही ली गई हैं। बस उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कहानियां हमारे असल जीवन की परछाई होती है, और तुम उस परछाई को तब अपनी कलम से कागजों पर उकेर पाओगे जब तुम असल दुनिया में जाओगे। वहां पर रहने वाले लोगों से उनकी कहानियां सुनोगे, उनके दर्द को समझोगे, उनके दर्द को अपना बनाओगे। अनुराग को समझ आने लग गया था कि अब तक वो जो भी कर रहा था गलत कर रहा था। अब उसे पता चल रहा था कि क्यों वो कोई नई कहानी नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि उसने असल दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया था। और असल दुनिया से रिश्ता तोड़कर कोई भी इंसान लेखक नहीं बन सकता है। एकटक नजर से अनुराग को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि मिस्टर स्टीफन की बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो जान गया था कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अनुराग को आज उसके अंदर की कमियां साफ दिखाई देने लग गई थी। मिस्टर स्टीफन अनुराग को अपने हाथों से उठने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम इसी वक्त उठो और चलो मेरे साथ। अनुराग हैरानी के साथ अपनी भवे ऊपर करते हुए कहता है, चलूं पर कहां पर सर? मिस्टर स्टीफन अनुराग को घूरते हुए कहते हैं, ये दिखाने कि तुम लेखक बनने के लायक भी हो या नहीं, आज तुम्हारी परीक्षा है। अनुराग की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन क्या कह रहे थे, उसकी आज कैसी लेखक बनने की परीक्षा थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद अनुराग की पलट कर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो चुपचाप मिस्टर स्टीफन के पीछे जाने लग जाता है। जब अनुराग मिस्टर स्टीफन के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो देखता है कि आज कॉलेज में अलग ही रंग जमा हुआ था। उसे कॉलेज में कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी, पर अनुराग किसी को भी अच्छे से नहीं देख रहा था, जैसे उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। उसकी किताबें ही उसके लिए सब कुछ थी। कॉलेज के अंदर चकाचौंध छाई हुई थी, हर तरफ चहल पहल थी, सब अपने में ही मगन थे। मिस्टर स्टीफन उस चकाचौंध से दूर जाते हुए अनुराग को एक बड़े से हॉल के अंदर ले जाते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे। उस हॉल में एक स्टेज था जिस पर चार लाल कुर्सियां थी, जिसमें से तीन कुर्सियों पर कोई पहले से बैठा था और एक कुर्सी खाली थी। देखने से वो कोई गेस्ट या जज लग रहे थे। उसी स्टेज पर पोडियम पर एक एंकर खड़ी हुई थी। हॉल के अंदर ही करीब 30-40 कैनवास पेंटिंग स्टैंड पर लगे हुए थे। वो सारे कैनवास कोरे थे, एकदम सफेद थे। उन सभी कैनवास के सामने कोई ना कोई लड़का लड़की खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पेंटर थे जो उस कैनवास पर पेंटिंग करने वाले थे। वो सभी अलग अलग कॉलेज से आए थे। वहां का माहौल देखकर अनुराग समझ जाता है कि वहां पर कुछ ही देर में पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखते हुए कहता है, सर आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? यहाँ पर तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, यहाँ पर आप मेरे लेखक बनने की काबिलियत को कैसे चेक करेंगे? मिस्टर स्टीफन अनुराग की बात को काटते हुए कहते हैं, वो सब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अनुराग, तुम बस यहीं पर बैठे रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी, समझे तुम? इतना कहकर मिस्टर स्टीफन अनुराग को एक कुर्सी पर बिठाकर वहां से जाने लग जाते हैं और स्टेज पर जो लाल चेयर थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं। अनुराग जिस जगह पर बैठा था वहां से उसे सभी पेंटर का कैनवास तो दिखाई दे रहा था, पर उनके चेहरे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, वो उन्हें बस पीछे से देख पा रहा था। अनुराग के समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन आखिर करना क्या चाहते थे, क्यों वो उसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में लेकर आए थे। स्टेज पर पहले एंकर सभी जज का स्वागत करती है, जिनमें से एक मिस्टर स्टीफन भी थे। उनका कॉलेज में बहुत मान और ओहदा था। ऐसा लग रहा था मिस्टर स्टीफन जानबूझकर अनुराग को पेंटिंग में बुलाने के लिए गए थे। वो जानते थे कि अनुराग उन्हें कहां पर मिलेगा। इस बात से साफ समझ आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन का अनुराग को उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में लाने का कोई ना कोई मकसद जरूर था। एंकर पेंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू करते हुए कहती है, सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार हर कॉलेज से उनके कॉलेज का बेस्ट पेंटर यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ होने वाला है, तो
थोड़ा नहीं बहुत टफ होने वाला है। आज यहाँ पर ऐसा पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे ही एंकर ये बात बोलती है, तालियों की गूंज से हॉल खिल उठता है। वो एंकर फिर अपनी बात रखते हुए कहती है, आप लोगों ने बहुत से पेंटिंग कंपटीशन देखे होंगे, पर ये पेंटिंग कंपटीशन अलग है, क्योंकि इस पेंटिंग कंपटीशन में पेंटर पेंटिंग तो करेंगे पर अपनी आंखें खोल कर नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद करके। जैसे वो एंकर ये बात बोलती है, अनुराग हैरानी के साथ खुद से बोल पड़ता है, क्या ये कैसे मुमकिन है? भला कोई पेंटर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे पेंटिंग कर सकता है? पेंटिंग करने के लिए तो आंखों का खुली रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे पेंटिंग होगी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अनुराग हैरानी के साथ खुद से बोल पड़ता है, ये कैसे मुमकिन है? भला कोई पेंटर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे पेंटिंग कर सकता है? पेंटिंग करने के लिए तो आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे पेंटिंग होगी? एंकर स्टेज से कहती है, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पेंटिंग तो होगी पर आंखों पर पट्टी बांधकर। यही इस पेंटिंग कंपटीशन का टास्क है। पेंटिंग तो हर कोई करता है, पर यहाँ पर जो पेंटिंग होगी वो होगी आंखों पर पट्टी बांधकर। पेंटिंग बनाने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स के पास सिर्फ 2 घंटे होंगे। उन 2 घंटों के अंदर ही आप सभी को अपनी पेंटिंग सबमिट करनी है, और उसके बाद बेस्ट 5 पेंटिंग को चुना जाएगा, जिसके बाद शुरू होगा राइटिंग कंपटीशन। जैसे ही एंकर राइटिंग कंपटीशन का नाम लेती है, अनुराग समझ जाता है कि मिस्टर स्टीफन उसे वहां पर लेकर क्यों आए थे। उस राइटिंग कंपटीशन के जरिए मिस्टर स्टीफन देखना चाहते थे कि अनुराग के अंदर लेखक बनने की काबिलियत है भी या नहीं। मिस्टर स्टीफन एक प्रकार से अनुराग की परीक्षा ही ले रहे थे। एंकर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जो 5 पेंटिंग को चुना जाएगा, राइटिंग कंपटीशन भी उन्हीं पेंटिंग पर होगा। हमारे लेखकों को अपने लफ्जों के जरिए उन 5 पेंटिंग में से किसी एक पेंटिंग को चुनना है, और फिर उस एक पेंटिंग को लेखकों को अपने लफ्जों में बयां करना है। आखिर पेंटर उस पेंटिंग में क्या कहना चाहता है? एक लेखक आजाद होता है, इसलिए हमने उसके जॉनर को भी आजाद ही रखा है। हमारे लेखक कोई भी जॉनर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वो कहानी, कविता या शायरी किसी भी जॉनर में उस पेंटिंग को बयां कर सकते हैं। जैसे जैसे अनुराग एंकर की बातें सुनते जा रहा था, उसके अंदर का चिड़चिड़ापन बढ़ते जा रहा था। अनुराग चिढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाता है, इन सबका दिमाग तो ठिकाने पर है ना, आखिर ये सब करवाना क्या चाहते हैं? इन सबको पता नहीं है क्या, ऐसे ही लेखक कुछ भी नहीं लिख देता है। किसी भी चीज को लिखने के लिए, समझने के लिए पहले लेखक को उस चीज को अपने दिल में उतारना पड़ता है, उसे अच्छे से समझना पड़ता है, तब जाकर वो उस पर कुछ लिख पाता है। मैं भला इन पेंटर की बनाई हुई पेंटिंग पर कैसे कुछ भी लिख दूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग बना भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एक ढंग की पेंटिंग बना पाएगा, और फिर इन सबको ये राइटिंग कॉम्पिटिशन भी कैंसिल ही कराना पड़ेगा। चलो अच्छा ही होगा, मेरे सिर से इन पेंटिंग्स पर कुछ भी लिखने की आफत तो छूटेगी, और फिर उसके बाद मिस्टर स्टीफन भी मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। एंकर खुश होते हुए बड़े ही उत्साह के साथ कहती है, ये एक ऐसा कंपटीशन है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, जहां पर पेंटिंग तो पेंटर करेंगे पर उस पेंटिंग की दास्तां को बयां लेखक करेंगे। पेंटिंग में रंग पेंटर भरेंगे, पर उस रंग का अर्थ लेखक अपने शब्दों से बताएंगे। उसी के बाद आखिरी में बेस्ट पेंटर और राइटर का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं चित्रकार के रंग लेखक के शब्दों के संग कॉम्पिटिशन। इतना कहकर वो एंकर अपने हाथ से कुछ इशारा करती है। उसी वक्त हॉल में ब्लैक टी शर्ट पहने वॉलेंटियर, जो उस पूरे कंपटीशन को मैनेज कर रहे थे, सभी पेंटर के पीछे आ जाते हैं और उनकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देते हैं, ताकि किसी भी पेंटर को कुछ दिखाई ना दे। जब वो वॉलेंटियर पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि पेंटर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उस जगह से वापस अपनी जगहों पर चले जाते हैं। उसके बाद पेंटर अपने रंगों का जादू दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेंटिंग कंपटीशन एक अलार्म बजने के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है, अनुराग देखता है कि कुछ पेंटर तो ब्रश भी ढंग से नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें ब्रश भी उठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। अनुराग उन पेंटर्स को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये लोग तो ब्रश तक नहीं उठा पा रहे, पेंटिंग कैसे करेंगे भला?
मैंने कहा ना इन लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा और राइटिंग कॉम्पिटिशन भी कैंसिल हो जाएगा। सर बेवजह ही मुझे यहाँ पर लेकर आए, इतना अच्छा लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर तो मैं किताब भी नहीं पढ़ सकता हूँ। अनुराग का बार बार मन हो रहा था कि वो उठे और वहां से चले जाए, पर जब भी वो वहां से उठने की कोशिश करता था एक नजर मिस्टर स्टीफन पर मारता था और देखता था कि मिस्टर स्टीफन स्टेज पर बैठे रहने के बावजूद भी उसी पर नजर, इसलिए वो चाहते हुए भी उस कुर्सी पर से उठ नहीं पाता है, वहीं पर बैठे रहता है। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था अनुराग नोटिस करता है कि अब कुछ कुछ पेंटर आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद अपने अपने कंफर्ट जोन में आने लग गए थे और उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दी थी। ये देखकर अनुराग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पेंटर बिना देखे पेंटिंग बना रहे थे। सभी पेंटर्स ने अपने हाथों में ब्रश उठा लिए थे और उन्होंने सफेद कैनवास पर अलग अलग एंगल में स्ट्रोक मारने शुरू कर दिए थे। ज्यादातर पेंटर एक या दो रंग का ही उपयोग कर रहे थे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण वो ज्यादा रंग का उपयोग करने में कंफर्टेबल नहीं थे। वो ब्रश को रंगों के डिब्बे में डाल ही बहुत मुश्किल से पा रहे थे। कोई लाल नीले रंग का यूज कर रहा था तो कोई सिर्फ ब्लैक रंग का। देखते ही देखते सभी पेंटर पेंटिंग बनाने लग गए थे, उनकी पेंटिंग बनते हुए दिखने लग गई थी। ये सब देखकर अनुराग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसा कुछ ना उसने कभी किसी कहानी के किस्से में देखा था, ना ही कभी अपनी असल जिंदगी में देखा था। अनुराग को नहीं लगा था कि पेंटर आंखों में पट्टी बांधकर पेंटिंग बना पाएंगे। अब अनुराग को समझ में आने लग गया था कि क्यों मिस्टर स्टीफन उसे वहां पर लेकर आए थे। अनुराग मिस्टर स्टीफन की उसे वहां पर लाने के पीछे की वजह को जान गया था। अनुराग एक एक करके सभी पेंटर्स पर अपनी नजरें दौड़ाने लग जाता है और उनके पेंटिंग करने के तरीके को वहीं पर बैठे बैठे समझने की कोशिश करने लग जाता है। वो जानता है कि सभी पेंटर का पेंटिंग करने का एक अलग पैटर्न था, जिस तरह हर लेखक का कहानी लिखने का एक अलग तरीका होता है। अनुराग एक एक करके सभी पेंटर को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेंटर पर आकर रुक जाती है। वो उस पेंटर और उसकी पेंटिंग पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है, वरना बाकी के पेंटर को वो पेंटिंग करते हुए कुछ सेकंड तक देखता था और फिर उसकी नजरें अपने आप दूसरे पेंटर पर चले जाया करती थी। पर इस बार अनुराग की नजरें दूसरे पेंटर पर जा ही नहीं रही थी, एक पेंटर पर आकर रुक गई थी, क्योंकि वो पेंटर अपने ब्रश से नहीं बल्कि अपने हाथों से पेंटिंग बना रहा था। उसके सामने ही हर एक रंग के अलग अलग बाउल एक लाइन से रखे हुए थे। उसने अपने हाथों की हर एक उंगली पर एक अलग रंग लगाया हुआ था और वो उन्हीं की मदद से कैनवास में रंग भर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद हो गया हो कि उसकी कौन सी उंगली पर कौन सा रंग हो, उसी की मदद से वो पेंटिंग किए जा रही थी। पूरे हॉल में वही एक पेंटर थी जो कई सारे रंगों का उपयोग एक साथ कर रही थी, वरना बाकी सब एक या दो रंगों का उपयोग ही अपनी पेंटिंग बनाने में कर रहे थे। वो पेंटर एक लड़की थी। जिस तरह उस लड़की के पेंटिंग करने का तरीका उसे अलग बना रहा था, उसी तरह उसका पहनावा भी उसे बाकी लड़कियों से अलग बना रहा था। उस लड़की ने अपने बालों का जूड़ा बांधा हुआ था। उसके जूड़े की मोटाई को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके बाल बहुत लंबे थे, जो उसकी कमर के नीचे तक आते होंगे। उसने अपने कानों में लंबे वाले झुमके पहनकर रखे हुए थे। उस लड़की ने ऊपर सफेद टॉप और नीचे नॉर्मल सतरंगी रंग का लहंगा पहनकर रखा हुआ था। लहंगे के नीचे बिना हील की नॉर्मल सी सैंडल पहनकर रखी हुई थी। उस लड़की का बदन सुडौल था, जिसकी हाइट करीब 5'3" होगी। वो लड़की अनुराग के लेफ्ट साइड में ही उसके एकदम सामने सेकंड रो में खड़े होकर कैनवास पर पेंटिंग बना रही थी, जिस कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसे पेंटिंग करते हुए देख पा रहा था। अनुराग की नजर उस लड़की पर आकर टिक सी गई थी। वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। अनुराग के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा था, वरना इससे पहले उसने किसी लड़की को इस तरह कभी नहीं देखा था। अनुराग उसी लड़की को अपनी नाजुक उंगलियों से रंग भरते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था रंग भरते वक्त वो लड़की उस रंग को महसूस कर रही थी, जिस तरह अनुराग कहानियां पढ़ते वक्त उन शब्दों को महसूस करता था, एकदम उसी तरह वो लड़की भी पेंटिंग करते वक्त उस पेंटिंग में डूब गई थी, जिस तरह अनुराग डूब जाया करता था अपनी कहानियों में। जब से अनुराग की नजरें उस लड़की पर पड़ी थी, तब से उसने उस लड़की पर से अपनी नजरें हटाई नहीं थी। उसकी नजरें उसी लड़की पर जमी हुई थी। वो उसके हर एक मूवमेंट को अपनी आंखों में कैप्चर कर रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर कैसे वो लड़की इतनी मदहोश होकर वो पेंटिंग कर रही थी। उस पूरे हॉल में आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद भी जो पूरी कंफर्टेबल के साथ पेंटिंग कर रही थी वो लड़की ही थी,
जिसने टॉप और लहंगा पहना हुआ था। पेंटिंग कंपटीशन खत्म होने में बस 15 मिनट बचा हुआ था। उसके हाथ ही नहीं बल्कि उसका सफेद टॉप भी रंगों से रंग गया था। वो इतनी ज्यादा मदहोश हो गई थी पेंटिंग करने में। पेंटिंग कंपटीशन 15 मिनट में खत्म होने वाला था और अनुराग उस लड़की को देख ही रहा था कि तभी उसके बगल में मिस्टर स्टीफन आकर खड़े हो जाते हैं। अनुराग उस लड़की को भी अपनी कहानियों की तरह ही देख रहा था। वो उसमें डूब गया था। मिस्टर स्टीफन अनुराग से कहते हैं, ऐसे किसे देख रहे हो अनुराग? अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह पर से उठता है और हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस पेंटिंग्स को देख रहा था। मिस्टर स्टीफन अनुराग के सामने बातों को घुमाते हुए कहते हैं, अब पेंटिंग्स को देख रहे थे या पेंटिंग्स बनाने वाली को, वो तो तुम ही जानते हो। तुम तो ये बताओ, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ऐसा किसी कहानी में तुमने पढ़ा है क्या? अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, नहीं पढ़ा। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, नहीं पढ़ा ना, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जब तक असल दुनिया में कोई नई चीज नहीं देखोगे तो उसे अपनी कहानी में कैसे लिखोगे? अब तुम अच्छे से समझ गए होगे कि कहानियां लिखने के लिए कहानियों की दुनिया से बाहर आना कितना जरूरी होता है। जब तक असल दुनिया को समझोगे नहीं, परखोगे नहीं, तो उसकी परछाई को अपनी कहानियों में कैसे उतारोगे? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सर, समझ गया हूँ। अब से मैं उतना ही वक्त बाहर की दुनिया के साथ बिताया करूंगा जितना वक्त अपनी किताबों के साथ बिताता हूँ। मिस्टर स्टीफन मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो एक चीज तो सीख ली तुमने, अब दूसरी चीज की बारी। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या सीखना बचा है सर? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, तुम कैसे भूल सकते हो अनुराग, इस पेंटिंग कंपटीशन के बाद राइटिंग कंपटीशन है जो इन पेंटिंग्स पर ही होगा, वही दूसरी चीज है। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हें किसी और की कहानी को अपने लफ्जों में उतारना आता है या नहीं। मिस्टर स्टीफन अपने हाथ से राइट साइड जहां पर दो बेंचेस लगी हुई थी और उसी के पास दो वॉलंटियर बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अनुराग तुमने रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं होगा, जाओ वहां पर अपने कॉलेज आईडी दिखाओ और कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन कराओ, तभी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, सर ये सब करना जरूरी है क्या? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। मिस्टर स्टीफन अनुराग को अपने गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहते हैं, अनुराग चुपचाप जाओ और रजिस्ट्रेशन कराओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब देखो पीछे कदम खींचते रहते हो, पीछे कदम खींचना नहीं आगे कदम बढ़ाना सीखो, समझे? अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है, चुपचाप रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास जाता है और राइटिंग कंपटीशन में अपनी कॉलेज आईडी की डिटेल्स बताकर उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने लग जाता है। गुरु हमारे जीवन का वो हिस्सा होते हैं जिनके बिना हम जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु ही हमें हमारी सही राह दिखाते हैं और उस राह में पड़ने वाले कांटों को कैसे काटना है या हटाना है सिखाते हैं। मिस्टर स्टीफन भी अनुराग की जिंदगी में उसे सही राह दिखाने और उस राह पर चलना सिखाने ही आए थे। अनुराग जब तक रजिस्ट्रेशन करवा कर वापस आता है तब तक पेंटिंग कंपटीशन खत्म हो चुका था। वो पेंटिंग जो पेंटर्स ने बनाई थी वो सबमिट हो चुकी थी। अनुराग अपने आसपास उस लड़की को ढूंढते रहता है जिसने टॉप और लहंगा पहना हुआ था, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की वहां से चली गई हो। पूरे हॉल में इतने सारे लोग थे कि अनुराग उस लड़की को ढूंढ ही नहीं पाता है। एक घंटे के अंदर ही 5 पेंटिंग को सेलेक्ट कर लिया जाता है जिस पर राइटिंग कंपटीशन करवाना था। उन 5 पेंटिंग्स में एक पेंटिंग वो थी जिसमें सिर्फ काले रंग का यूज किया गया था, तो एक वो थी जिसमें 2 रंगों का यूज किया गया था, और उन्हीं पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग वो थी जिसमें 7-8 रंगों का प्रयोग किया गया था। अनुराग उस पेंटिंग को देखकर समझ जाता है कि उसके सामने वही पेंटिंग रखी हुई थी जो उस लड़की ने बनाई थी, क्योंकि उस पूरे हॉल में वही एक लड़की थी जिसने सबसे ज्यादा रंगों का उपयोग किया था। अनुराग लिखने के लिए उस लहंगे वाली लड़की की पेंटिंग को ही चुनता है। उस पेंटिंग को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उस पेंटिंग को देखकर उसे अपने गांव की याद आ गई थी। उस पेंटिंग में वो खास बात थी। अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये कैसे हो सकता है, उस लड़की ने ये कैसे बना दिया? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।
अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने ये कैसे बना दिया? उस पेंटिंग को देखकर अनुराग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो उस पेंटिंग से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग अनुराग की आंखों में पूरी तरह बस चुकी हो और वो उस पेंटिंग में खो चुका हो। अनुराग उस पेंटिंग को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी स्टेज से एंकर कहती है, आप सभी लेखकों के पास सिर्फ एक घंटा है पेंटर्स की पेंटिंग को अपने लफ्जों में बयां करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। एंकर के इतना कहते ही सभी लेखक अपनी अपनी कलम उठाते हैं और एक ब्लैंक पेज पर उनके सामने जो पेंटिंग रखी हुई थी उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। बस एक अनुराग ही था जिसने अभी तक अपनी कलम नहीं उठाई थी। वो उस पेंटिंग को एक टक देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग पहले उस पेंटिंग को पूरी तरह अपने मन के अंदर उतार रहा हो। उस पेंटर लड़की ने जितने प्यार से उस पेंटिंग में रंग भरे थे उन सारे रंगों की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। अनुराग उस पेंटिंग के एकदम सामने बैठा हुआ था जिस कारण उसे वो पेंटिंग एकदम साफ दिखाई दे रही थी। वो उस पेंटिंग को देखने में इतना खो गया था कि उसे उसके आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। अनुराग उस पेंटिंग में भी उसी तरह खो गया था जिस तरह वो कहानियां पढ़ते वक्त खो जाया करता था। उसे वो पेंटिंग किसी कहानी की तरह ही लग रही थी जो खुद अपनी दास्तां उससे बयां करना चाहती हो। अगले ही पल अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए अपनी कलम उठाता है और अपनी कलम का जादू दिखाना शुरू कर देता है। अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए कुछ लिखना शुरू कर देता है। लिखते वक्त अनुराग बस उस पेंटिंग को ही देखे जा रहा था, अपने कागज की तरफ देख ही नहीं रहा था कि वो उसके अंदर क्या लिख रहा था, उसके शब्द कागज पर सही से लिखा रहे थे भी या नहीं। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी। उसने बस अपनी नजरें पेंटिंग पर टिकाई हुई थी और उसकी कलम अपने आप चलते जा रही थी। वो बस लिखते जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अनुराग ने इस वक्त अपने हाथ में वही कलम पकड़ी हुई थी जो बचपन में उसके पिता ब्रजेश्वर ने उसे दी थी। अनुराग आज भी उसी पेन का यूज करता था जब भी कोई खास चीज के बारे में लिखता था। उसके पिताजी ने जो उसे पेन बचपन में थमाया था वो फाउंटेन पेन था, जिस कारण अनुराग को उसमें बस इंक डालने की जरूरत पड़ती थी और वो सालों से ऐसे ही चल रहा था। उस पेन की नोक में जरा सी भी खराबी नहीं आई थी। अनुराग बस लिखते जा रहा था, एक सेकंड के लिए भी उसके हाथ रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, उस पेंटिंग के बारे में लिखते रहते हैं। एक पल के लिए तो उसे भी लगने लग गया था कि उसके हाथ खुद ब खुद अपने आप चलने लग गए थे। अनुराग की आंखों की पुतली में उस पेंटिंग की झलक दिखाई देने लग गई थी, पर वो धुंधली थी। अनुराग ने भले ही वहां पर मौजूद उसके कॉम्पिटिटर के बाद सबसे आखिरी में कलम उठाई हो, पर वो अपनी कविता सबसे पहले सबमिट करता है। जब वो अपना लिखा हुआ कागज जमा कर रहा था उस वक्त मिस्टर स्टीफन उसी को देख रहे थे। मिस्टर स्टीफन अनुराग को देखते हुए मन में सोचते हैं, ये अनुराग ने इतनी जल्दी अपना कागज क्यों सबमिट कर दिया? अभी तो पूरा आधा घंटा बचा हुआ है कॉम्पिटिशन खत्म होने में, पता नहीं क्या लिखा होगा इसने। जैसे अनुराग अपना लिखा कागज सबमिट करता है उसका सिर घूमने लग जाता है। जब वो पेंटिंग को देखते हुए लिख रहा था उस वक्त भी उसका सिर दर्द ही कर रहा था। लिखते वक्त उसे उसके गांव बंगलामुड़ा की याद आने लग गई थी। ये पूरे एक साल बाद हुआ था कि उसे किसी तरह अपने गांव की याद आई थी, वरना दिल्ली आकर वो कहानियों में इतना खो गया था कि अपने गांव को भी भूल गया था। अनुराग का सिर दर्द अब और ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा कि उससे वो दर्द सहन भी नहीं हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर अपना सिर पकड़कर रखा हुआ था। उसका सिर दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो रिजल्ट का वेट भी नहीं करता है। वो तुरंत हॉल से बाहर निकलता है और बस पकड़कर अपने रूम पर जाने के लिए निकल जाता है। वैसे भी अनुराग को कोई मतलब नहीं था कि वो उस कॉम्पिटिशन में जीते या हारे। उसने तो उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी इसलिए किया था क्योंकि उसके टीचर मिस्टर स्टीफन ने उससे कहा था, वरना अनुराग तो उस कॉम्पिटिशन में भी कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता। एक दिन बाद कॉलेज में दूसरे दिन भी कल्चरल प्रोग्राम था, पर अनुराग उन कल्चरल प्रोग्राम में नहीं गया था क्योंकि वो कल जब लौट कर आया था तब से ही उसका सिर दर्द कर रहा था। वो आते से ही सोने लग गया था पर उसे नींद नहीं आई थी। जब शाम को मिस्टर स्टीफन उसके कमरे में आए तो उन्होंने उससे कुछ बात करी, तब जाकर अनुराग को अच्छी नींद आई और फिर जब वो सोया तो सीधे सुबह उठा, वो भी लेट। उठते ही वो समझ गया था कि कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कॉलेज जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने अपने कमरे में रहना ही मुनासिब समझा। इस वक्त अनुराग हमेशा की तरह अपने कमरे की लाइट बंद करके टेबल के पास कुर्सी पर बैठकर लैंप जलाकर उसकी रोशनी में किताब पढ़ रहा था। अनुराग ने कमरे का दरवाजा टिका कर रखा हुआ था।
अनुराग की आदत थी, जब भी कोई कहानी पढ़कर खत्म करता था तो हमेशा खुद अकेले बैठकर उसके पात्रों के साथ बातें किया करता था। वो कभी कहानी के पात्रों से बातें किया करता था तो कभी उस कहानी के लेखक से जिसने उस किताब को लिखा था, और आज भी अनुराग वही कर रहा था। वो अभी अभी धर्मवीर भारती की किताब गुनाहों का देवता पढ़कर उठा था और उस कहानी के मुख्य पात्र चंदर और सुधा से बात कर रहा था। अनुराग ने सिगरेट सुलगाई हुई थी और उसका कश खींचते हुए वो खुद से बातें किए जा रहा था। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, चंदर ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने क्यों सुधा से शादी नहीं की? एक बार तो तुमने सुधा के पिता से बात करी होती और उनसे कहा होता कि तुम उनकी बेटी से प्यार करते हो। तुम कैसे उनके एहसानों के बोझ तले इतना दब सकते हो कि अपने प्यार का तुमने गला घोट दिया और सुधा को किसी और के हवाले कर खुद दर्द में जी रहे हो? अनुराग अगले ही पल सुधा से बात करते हुए कहता है, सुधा चंदर नहीं कर पाया तो कम से कम तुम तो कर सकती थी ना। चंदर तो तुम्हारे पिता के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था, पर तुम तो नहीं ना, तुम कैसे किसी और की हो गई? अनुराग कमरे में अकेले बैठकर कहानी के किरदारों से बात ही कर रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुल जाता है और कोई अंदर आ जाता है। पर अनुराग कहानी के किरदारों से बात करने में इतना खो गया था कि उसका उन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया था। अनुराग फिर खुद से बातें करते हुए कहता है, चंदर और सुधा तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती दुनिया की ही है। हमारी दुनिया में भी यही होता है, हम प्यार किसी और के साथ करते हैं और शादी किसी और के साथ। जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करते किसी और के साथ हैं और निभाते किसी और के साथ हैं। धर्मवीर भारती जी, आपने बिल्कुल सही किया चंदर और सुधा की शादी कहीं और करा के। आपने प्रेमी जोड़े का वो दर्द बयां किया है जो हर किसी की दास्तां है। मैं भी होता तो यही। अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के अंदर जो शख्स एंटर हुआ था उस पर उसकी नजर पड़ जाती है। उस शख्स को देखते ही अनुराग की बोलती बंद हो जाती है, उसे सांप सूंघ जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शख्स कभी उसे मिलेगा भी जो इस वक्त उसके कमरे के अंदर था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुराग के कमरे के अंदर एक लड़की ने एंट्री ली थी जो कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर लड़की थी जिसकी पेंटिंग पर अनुराग ने कॉलेज में कविता लिखी थी। उस लड़की ने आज ब्लैक टॉप और नीचे भी ब्लैक लहंगा पहना हुआ था, जिस कारण अनुराग उसे देखते ही समझ गया था कि वो कौन थी। उस लड़की का पहनावा ही उसे बाकी की लड़कियों से अलग बनाता था। उस लड़की ने अपने हाथ में एक पेंटिंग पकड़ी हुई थी जिसे न्यूज़पेपर से कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण वो पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही थी। अनुराग उस लड़की को देखकर उसकी टेबल पर जो एश्ट्रे थी उस पर तुरंत अपनी सिगरेट बुझाने लग जाता है। वो लड़की अनुराग से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मैं इस तरह बिना पूछे अंदर आ गई। अनुराग तुरंत पलट कर कहता है, अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही चंदर और सुधा से बातें कर रहा था। अनुराग के इतना कहते ही वो लड़की कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। उसे वहां पर ढेर सारी किताबों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। उसे लगने लग जाता है कि अनुराग पागल है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वो लड़की हिचकिचाते हुए कहती है, कहां है चंदर और सुधा, अब मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अनुराग उस लड़की को अपने हाथ की किताब दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर है चंदर और सुधा। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है वो लड़की हंस देती है। वो लड़की अनुराग को देखते हुए कहती है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जिसे मैं ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। क्या आप ही अनुराग हैं? अनुराग हामी भरते हुए हैरानी के साथ कहता है, जी हाँ मैं ही अनुराग हूँ, वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो लड़की कहती है, अनुराग मैं हूँ। वो लड़की अपना नाम लेती उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, आप हैं चित्रा जो एक चित्रकार है। अनुराग के कमरे में कोई और नहीं बल्कि चित्रा आई थी जो आने वाले वक्त में उसके जीवन की हमसफर बनने वाली थी। कॉलेज के जमाने से ही चित्रा काफी सुंदर लगती थी, टॉप और लहंगा पहनना उसे पसंद था। उसे इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता था और साथ ही अपना जूड़ा बांधे रखना। चित्रा अनुराग से हैरानी के साथ पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता, अभी तो मैंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं। अनुराग जवाब देता है, आपने नहीं बताया तो क्या हुआ, पर कल मुझे मिस्टर स्टीफन ने रात को आपके बारे में सब कुछ बताया। अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे बधाई हो आपको पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, काफी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं आप, वाकई काबिले तारीफ हैं आप। चित्रा अनुराग से हाथ मिलाते हुए खुशी से कहती है, वैसे काबिले तारीफ तो आप भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू,
आपने जो लिखा था उसके लिए आपको भी तो फर्स्ट प्राइज मिला है ना। अनुराग चित्रा से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था, अगर आप वो पेंटिंग नहीं बनाती तो मैं वो सब लिख ही नहीं पाता। चित्रा कहती है, पेंटिंग भले ही मैंने बनाई हो पर उस पेंटिंग की कहानी को आपने समझा है, आपने उसका दर्द बयां किया है अपने लफ्जों में, आपके सिवा कोई और लेखक उस पेंटिंग को समझ ही नहीं पाया। अनुराग शर्माते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है चित्रा। चित्रा अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, ऐसा ही है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना अच्छा नहीं लिखते तो जजेस मेरी नॉर्मल पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज देते। अनुराग तुरंत कहता है, वो नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी, अद्भुत पेंटिंग थी। आपने आखिर अपनी आंखें बंद कर उस पेंटिंग को बनाया था, वो भी हर रंग यूज करके। चित्रा कहती है, चलिए मान लिया आपकी बात, पर आप भी मेरी एक बात मानिए, मेरी पेंटिंग जितनी अद्भुत थी उससे कहीं ज्यादा अद्भुत तरीके से आपने उस पेंटिंग को बयां किया था। यही तो कारण है कि मैं उसके लेखक से मिलने के लिए यहाँ तक चले आई। मुझे लगा उस कविता के लेखक से मुलाकात स्टेज पर ही हो जाएगी, पर आप वहां पर थे ही नहीं। स्टेज पर क्या, पूरे कॉलेज में नहीं थे। कितना ढूंढा मैंने आपको पर आप मिले ही नहीं। अनुराग झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ वो मैं जल्दी घर आ गया था, मुझे कुछ काम था। तो चित्रा फिर कुछ पूछती उससे पहले ही अनुराग उससे पूछ बैठता है, पर आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक कैसे पहुंच गए, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। चित्रा तुरंत जवाब देती है, आपकी कॉलेज आईडी से, जिसकी डिटेल्स आपने कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन के वक्त दी थी। मैं उस लेखक से मिलना चाहती थी जिसने मेरी पेंटिंग की कहानी को बयां किया था, सो मैं खुद यहाँ पर आ गई आपको ढूंढते हुए। चित्रा और अनुराग दोनों ही अलग अलग कॉलेज से थे। चित्रा फाइन आर्ट से बीए कर रही थी, उसका भी सेकेंड ईयर चल रहा था। चित्रा अनुराग से कहती है, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ लाई है पर क्या। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ लाई है पर क्या। चित्रा अपने हाथ की पेंटिंग अनुराग को थमाते हुए कहती है, ये अनुराग जी। अनुराग उस पेंटिंग के बाहर जो न्यूज़पेपर लगे हुए थे उन्हें देखते हुए कहता है, इसमें क्या है चित्रा जी। चित्रा शर्माते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस उस तोहफे को बाहर से निहारते रहता है, उसे खोलता तक नहीं है। चित्रा फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अनुराग जी ऐसे पता नहीं चलने वाला इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है वो देखने के लिए इसे आपको खोलना पड़ेगा। चलिए खोलिए इसे अब जल्दी से, मैं भी तो देखूं आपको मेरा तोहफा पसंद आया या नहीं। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मैं कैसे चित्रा जी आपसे कोई तोहफा ले सकता हूँ, आप तो अभी मुझे। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चित्रा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अनुराग जी पहले आप तोहफा खोलिए तो सही, उसे लेने और ना लेने की बात तो बाद में आएगी। मुझे नहीं लगता तोहफा देखने के बाद आपका उसे मुझे वापस करने का मन करेगा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, ऐसा क्या है इस तोहफे में। चित्रा बड़े प्यार से कहती है, आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। चित्रा के इतना कहते ही अनुराग उस तोहफे को जिस न्यूज़पेपर से कवर किया गया था उसे हटाने लग जाता है। अनुराग उस तोहफे में से न्यूज़पेपर को हटा देता है। जब अनुराग उसे खोलकर देखता है तो देखता ही रह जाता है, उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पेंटिंग थी। चित्रा उसके लिए तोहफे के रूप में एक पेंटिंग लेकर आई थी। चित्रा अनुराग के लिए कोई और पेंटिंग नहीं बल्कि वही पेंटिंग लेकर आई थी जो उसने कल पेंटिंग कंपटीशन में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई थी, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। उस पेंटिंग को देखकर अनुराग वापस से उसमें डूब गया था, उसके अंदर खो गया था। उस पेंटिंग को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। चित्रा अनुराग के लिए जो पेंटिंग लेकर आई थी उसमें सबसे ऊपर वक्त के तीन पहर थे जिसे तीन शेड में डिवाइड किया गया था। पहले शेड में उगता हुआ सूरज था जो अपनी रोशनी आसमान में बिखेर रहा था। उसी के जस्ट बगल वाले शेड में डूबता हुआ सूरज था जिसकी लालिमा आसमान में छाई हुई थी, और उसके बगल में ही तीसरे शेड में गहरे नीले रंग का आसमान था जो बता रहा था कि रात हो रही है। उसी गहरे नीले आसमान में बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ था जो बहुत गौर से देखने पर दिखाई दे रहा था। जब हम पेंटिंग के नीचे वाले हिस्से में आते हैं तो देखते हैं कि पेंटिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी है जिसका पानी ठहरा हुआ है। उस नदी के दो किनारे हैं और एक किनारा पूरी तरह खाली था,
वहां पर कोई नहीं था सिवाय बालू और रेत के। उस घाट पर सूरज की तेज तपन पड़ रही है। वो घाट सूरज की तेज तपन में तप रहा था। उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक स्त्री खड़ी हुई है। उस स्त्री को देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम स्त्री नहीं थी। उस स्त्री ने अपने बदन पर काली साड़ी लपेटी हुई थी, कुछ इस अंदाज में कि उसकी बाहें नग्न थी। उसके बदन पर काली साड़ी के सिवा कुछ और नहीं था। पीछे से उसकी हल्की सी नग्न कमर दिख रही थी। उसी नग्न कमर पर उसके कमर के नीचे तक बाल आ रहे थे, जो कि खुले हुए थे। उसके माथे पर एक बिंदी तक नहीं लगी थी, ना कोई गहना था, बस सामने के बाल कुछ उठे हुए थे जिनमें चमेली के फूल लगे हुए थे। कोई श्रृंगार ना करने के बावजूद वो स्त्री बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे सादगी ही उस स्त्री का श्रृंगार हो। उस स्त्री के आसपास ही कई सारे जुगनू जगमग जगमग मंडराते दिख रहे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि रात हो गई थी। अगर नदी के दूसरे किनारे पर तेज तपन थी तो नदी के दूसरे किनारे पर रात हो चुकी थी। नदी के दूसरे किनारे में कहीं दूर से एक सड़क आ रही थी। वो स्त्री नदी के उस किनारे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो स्त्री इस तरह दिख रही थी जैसे वो देवी हो, वो देवी जो दूसरे लोक से आई थी। उस पेंटिंग को देखकर अनुराग वापस से उस पेंटिंग में खो गया था। अनुराग बस उस पेंटिंग को ही एकटक नजर से देखे जा रहा था। अनुराग के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखें पेंटिंग में बनी हर एक चीज को देख रही थी। अनुराग के हाव भाव देखकर चित्रा समझ गई थी कि अनुराग को उसका तोहफा बहुत पसंद आया था, जैसे वो उस पेंटिंग को पहले से पाना चाहती थी, जो अब उसे मिल गई थी। अनुराग की हल्की सी मुस्कान को देखकर चित्रा के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। चित्रा अनुराग से कहती है, कैसा लगा अनुराग जी आपको मेरा तोहफा, आपने बताया नहीं। अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए ही हैरानी के साथ कहता है, तोहफा तो बहुत अच्छा है चित्रा जी, पर ये पेंटिंग यहाँ पर कैसे? मिस्टर स्टीफन ने तो मुझे बताया था ये पेंटिंग जो कल कंपटीशन के जो जजेस थे उनमें से एक जज को बहुत पसंद आई थी और वो इसे खरीदना चाहते थे। चित्रा मुस्कुराते हुए अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो जज तो तब इस पेंटिंग को खरीदते ना अनुराग जी जब उसे मैं बेचती। मैंने उन्हें ये बेची ही नहीं तो वो उसे कैसे खरीद लेते। उन्होंने मुझे काफी अच्छा ऑफर दिया था पर मैंने उसे ठुकरा दिया। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, आपने ऑफर ठुकरा दिया पर क्यों? चित्रा बड़े प्यार से जवाब देती है, क्योंकि वो इस पेंटिंग के असली हकदार नहीं थे और मैं ये पेंटिंग उसके असली हकदार को देना चाहती थी। अनुराग जी आप जानते हैं इस पेंटिंग के हकदार कौन है? अनुराग पूछता है, कौन है चित्रा जी? चित्रा जवाब में कहती है, इस पेंटिंग के असली हकदार आप हैं अनुराग जी। अनुराग अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरानी के साथ धीरे धीरे कहता है, इस पेंटिंग का हकदार मैं हूँ पर कैसे? चित्रा जवाब देती है, क्योंकि इस पेंटिंग के दर्द को आप ही समझ पाए हैं अनुराग जी। वो जज भले ही इस पेंटिंग को खरीद लेते, अपने घर में सजा लेते, पर कभी इस पेंटिंग का दर्द नहीं समझ पाते। पेंटिंग उसी को मिलनी चाहिए जो उसे समझे, और मुझे नहीं लगता इस पेंटिंग को आपसे बेहतर कोई और समझ सकता है। कल इस पेंटिंग पर आपके अलावा भी कई लेखकों ने अपनी कलम चलाई थी, पर आपकी कलम के सामने सारी कलम बेअसर रहे। आपने इस पेंटिंग की वो दास्तां बयां करी जो कोई नहीं कर पाया। कोई भी इस पेंटिंग को नहीं समझ पाया पर आपने समझा, इसलिए इस पेंटिंग के हकदार आप हैं अनुराग जी। चित्रा की बातें सुनकर अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो चित्रा को क्या पलटकर जवाब दे। पहली बार उसे किसी ने निशब्द कर दिया था, वो भी इस तरह कि वो चारों खाने चित हो गया था। चित्रा फिर अनुराग से कहती है, आपने इस पेंटिंग की दास्तां को कैसे समझ लिया अनुराग जी जो कोई नहीं समझ पाया? मैं जो सोचकर ये पेंटिंग बना रही थी उस पेंटिंग से भी अच्छा आपने इसकी दास्तां को बयां किया था। कैसे अनुराग जी, कैसे? अनुराग जवाब देता है, पता नहीं चित्रा जी, मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने आपकी ये पेंटिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इस पेंटिंग से कोई गहरा नाता है और ये खुद अपनी दास्तां मुझे बता रही है। मैं इस पेंटिंग में खो सा गया था और मेरे हाथ खुद ब खुद चलने लगे थे और इसकी दास्तां कविता बनकर कागज पर उतर आई। अनुराग के इतना कहते ही अगले ही पल चित्रा अपना मोबाइल निकालती है और उसमें एक तस्वीर निकालती है, एक कागज की तस्वीर जिसमें कुछ लिखा हुआ था। चित्रा वो तस्वीर अनुराग को दिखाते हुए कहती है, अनुराग जी ये वही कागज है जिसमें कल आपने इस पेंटिंग की दास्तां अपनी कविता में बयां करी थी। कल जब आप नहीं थे तो आपकी गैर हाजिरी में मिस्टर स्टीफन ने इस कविता को सबके सामने पढ़कर सुनाया था। आपकी कविता सभी को बहुत पसंद आई। जब मैंने इस कविता को सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो पेंटिंग मैंने बनाई थी वो जीवित हो गई हो। मैं तो उसी वक्त आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी,
आपके बारे में और जानना चाहती थी कि कैसे आपने मेरी पेंटिंग का दर्द समझ लिया, पर आप थे नहीं। पर मैंने ठान लिया था कि मैं आपसे मिलूंगी और इसलिए मैं आपको ढूंढती हुई आ गई। अनुराग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही चित्रा की सारी बातों को सुनते रहता है। उसे चित्रा की बातों से अपनापन महसूस होने लग गया था, वही अपनापन जो उसे अपनी कहानियों के साथ लगता था जब वो उसे पढ़ता था। चित्रा धीरे से कहती है, मैं ये कविता एक बार आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ अनुराग जी। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरी आवाज में? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ अनुराग जी, आपकी आवाज में। मैं देखना चाहती हूँ जिस लेखक ने ये कविता लिखी है वो उसके दर्द को पढ़ते हुए कैसे लगता है, कैसे उस दर्द को खुद अपनी आवाज में बयां करता है। आपका लिखा हुआ आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता है, ना ही कोई समझ सकता है। अनुराग जी प्लीज एक बार इसे पढ़कर सुनाइए ना। अनुराग चित्रा को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा जी, मैं ये नहीं पढ़ सकता। मैंने आज तक बस लिखा है, पढ़ा कभी नहीं है। वैसे भी मेरी आवाज बहुत बेकार है, आप खुद ही से पढ़ लीजिए ना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज में ये कविता अच्छी लगेगी। चित्रा अनुराग से बड़े प्यार से खोए हुए अंदाज में कहती है, मैं तो इसे तब से पढ़ रही हूँ अनुराग जी जब से मैंने इसे पहली बार सुना है। रात भर मैं इसी को तो पढ़ते हुए आई हूँ, पर एक बार मैं इसे आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जो कविता लिखता है वही उसे सबसे अच्छे से बोलता है। प्लीज मना मत कीजिए, मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपकी आवाज में ये कविता सुन सकूं, वो कविता जिसमें आपने मेरी पेंटिंग का दर्द बयां किया था। प्लीज अनुराग जी पढ़िए ना प्लीज। चित्रा सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थी बल्कि उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी कि जब भी कोई अनजान व्यक्ति उससे बातें करता तो चित्रा एक पल में उस अनजान व्यक्ति को अपना बना लेती, और इस वक्त चित्रा ने अनुराग को भी अपना बना लिया था। अनुराग चाहते हुए भी चित्रा को मना नहीं कर पाता है। अनुराग धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है चित्रा जी, आप इतना कह रही हैं तो अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ, आप इतनी अच्छी चित्रकार जो है। अनुराग की बात सुनकर चित्रा मुस्कुराती हुई शर्माने लग जाती है। चित्रा ने जिस हाथ मोबाइल पकड़ कर रखा था वो उस हाथ को आगे बढ़ाती है ताकि अनुराग उसका मोबाइल पकड़े, ताकि उसमें देखकर अनुराग कविता पढ़ सके, पर अनुराग ऐसा कुछ नहीं करता है। वो एक नजर चित्रा के मोबाइल की तरफ देखता है पर उसका मोबाइल नहीं लेता है, वो बस चित्रा की पेंटिंग के पास जाता है और उसे एकदम करीब से देखने लग जाता है। अनुराग एकटक नजर से उस पेंटिंग को देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग वापस से उस पेंटिंग में खो गया हो, वापस से उस पेंटिंग के अंदर जो स्त्री थी उसके दर्द को महसूस करने लग गया हो। चित्रा भी अपनी नजरें अनुराग पर टिका देती है, वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा गई थी, दोनों ही खामोशी से खड़े थे। अगले ही पल अनुराग उस खामोशी को तोड़ते हुए दर्द भरे लहजे में कहता है, दिन रात तेरे ख्यालों में खोई रहती हूँ मैं, तेरी यादों के साए में हर वक्त रोती रहती हूँ मैं, वो कस्में वो वादे जो हमने साथ किए थे उन वादों के सहारे सदियों से जी रही हूँ मैं, तेरे जाने के बाद मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, हमारी प्रेम की सखी नदियों ने भी बहना बंद कर दिया है, हमारे प्रेम में जो जुगनू दिन रात जगमगाते थे उन जुगनुओं ने भी जगमगाना बंद कर दिया है, तेरी छुअन से मेरे बदन में जो फूल महका करते थे उन फूलों ने भी महकना अब बंद कर दिया है, हमारे प्रेम की फिजा जो हर जगह चलते रहती थी उन फिजाओं ने भी चलना बंद कर दिया है। याद है तुझे नदी के किनारे बैठकर हम घंटों साथ बिताया करते थे, जुगनुओं की रोशनी में तारों से बातें किया करते थे, मेरी आंखों में देखकर तुम डूब जाया करते थे, मेरे करीब आकर तुम सब कुछ भूल जाया करते थे, तेरी सांसों की खुशबू अब भी मेरे जिस्म से आती है, मुझे तेरी यादें अब भी दीवाना बनाती हैं, मेरे हाथों से बनाई मछली का स्वाद तुम्हें पसंद था, मेरी गोदी में सिर रखकर तुम्हें सोना पसंद था, वापस आने की एक उम्मीद तू दे गया है, ऐ परदेसी तू मुझे बदल कर चले गया है, तेरे जाने के बाद भी तेरे वापस आने की उम्मीद है, ऐ परदेसी तू मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है, कैसे कहूँ तुझसे तेरे विरह में मर रही हूँ मैं, तेरे आने की घड़ी का इंतजार कर रही हूँ मैं, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में।
सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। कविता की आखिरी लाइन पढ़कर अनुराग एकदम चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही कमरे के अंदर खामोशी फिर से छा जाती है। अनुराग चुप तो हो गया था, पर उसकी नजरें अभी भी उस पेंटिंग पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक नजर से उस पेंटिंग को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहों को देखकर साफ पता चल रहा था कि पेंटिंग के अंदर जो स्त्री थी, अनुराग उस स्त्री को ही एकटक नजर से देखे जा रहा था। अनुराग की उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। कमरे के अंदर फिर से खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी अनुराग और चित्रा के बीच फैली हुई थी। अनुराग से उसकी लिखी कविता सुनकर चित्रा की आंखें नम हो गई थी। सिर्फ चित्रा की ही नहीं, अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी। उसने इतने दर्द के साथ उस स्त्री के दर्द को महसूस करते हुए कविता पढ़ी थी। अनुराग और चित्रा दोनों ही गम में गमगीन हो गए थे। चित्रा अपनी आंखों से झलकते हुए अशकों को चुपके से पोंछते हुए नर्म लहजे के साथ अनुराग से कहती है, वाकई काफी प्यारी कविता लिखी है आपने, और आपसे ये कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज ने इस स्त्री का दर्द और भी गहराई से महसूस कराया है। आगे की बात चित्रा पेंटिंग के पास जाते हुए कहती है, आपने कविता नहीं लिखी है अनुराग जी, आपने इस स्त्री का वो दर्द लिखा है, वो दर्द जो कोई बयान नहीं कर सकता है। जब एक प्रेमिका को उसका प्रेमी छोड़कर परदेश चला जाता है तो उसके जाने के बाद उस पर क्या बीतती है, सब लिखा है आपने इसमें। इस कविता का पहला पैराग्राफ पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो अपने प्रेमी जो परदेसी हो गया है, दूसरे शहर चला गया है, उसे बता रही हो कि उसके जाने के बाद गांव में क्या क्या बदला है। दूसरे पैराग्राफ को पढ़कर पता चलता है कि जैसे वो अपने परदेसी प्रेमी को याद दिला रही है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे तो क्या क्या करते थे। नदी किनारे बैठकर वक्त बिताते थे, तो कभी जुनून की रोशनी में रात भर बातें किया करते थे। और तीसरे पैराग्राफ में अचानक से चित्रा खामोश हो जाती है, क्योंकि वो उस तीसरे पैराग्राफ के बारे में सोचकर इतनी भावुक हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। अनुराग पेंटिंग से अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से चित्रा से पूछता है, तीसरे पैराग्राफ से आप क्या समझे चित्रा जी, क्या है तीसरे पैराग्राफ में। चित्रा नम लहजे के साथ ही कहती है, तीसरे पैराग्राफ में वो अपने बिछड़न के दर्द को बयां कर रही है, बता रही है कि उसके प्रेमी के जाने के बाद उसकी हालत कैसी हो गई है, कैसे वो हर पल हर सेकंड उसकी यादों को याद करते हुए मरते जा रही है। पर एक उम्मीद अभी भी उस स्त्री ने अपने मन में जगाई हुई है कि उसका परदेसी वापस आएगा और बिछड़न का दर्द मिटाएगा, इसलिए वो श्रृंगार करके बैठी हुई है। सादगी भरा श्रृंगार जो उसके प्रेमी को पसंद था, वो आज भी उसके प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है, और वो इंतजार सदियों पुराना है। इतना कहकर चित्रा भी एकदम चुप हो जाती है, उसी तरह जिस तरह अनुराग हो गया था। चित्रा की आंखों में पेंटिंग में जो स्त्री बनी हुई थी उसका दर्द झलकने लग गया था। चित्रा खोए हुए अंदाज में कहती है, अनुराग जी क्या सच में कोई स्त्री किसी पुरुष को इतना चाह सकती है, उससे इतना प्रेम कर सकती है कि अपना जीवन जीना छोड़कर उसके वापस आने का इंतजार करती रहे। अनुराग भी कहीं खोए हुए अंदाज में जवाब देता है, हाँ चित्रा जी क्यों नहीं कर सकती। एक स्त्री के मन में जब कोई पुरुष बस जाता है तो उस स्त्री के जीवन की आखिरी सांस तक निकल नहीं पाता है, उसके मरने के बाद भी वो उसके दिल में ही बसा रहता है। चित्रा अगले ही पल पूछती है, और पुरुष उसका क्या, क्या उसके मन में भी आज भी वो स्त्री बसी हुई होगी। अनुराग चुप हो जाता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अनुराग को ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने वो सवाल उसको मद्देनजर रखते हुए पूछा हो। चित्रा अनुराग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, बोलिए ना अनुराग जी आप चुप क्यों हो गए, क्या उस पुरुष के दिल में भी आज भी वो स्त्री बसी होगी। अनुराग धीरे से जवाब देता है, हाँ चित्रा जी उस पुरुष के मन में आज भी वो स्त्री बसी होगी जिससे वो अपने गांव में प्रेम करता था। प्रेम तो तभी पूर्ण होता है ना जब स्त्री और पुरुष दोनों के मन में दोनों तरफ से प्यार हो। एक तरफा तो सिर्फ चाहत होती है, आप एक तरफा बस किसी को चाह सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं। अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, अगर उस स्त्री के मन में आज भी उसका प्रेमी बसा हुआ है तो फिर उस पुरुष के मन में भी आज भी उसकी प्रेमिका बसी होगी, बस परदेश जाकर उसकी चमक धमक देखकर वो अपनी प्रेमिका को कुछ देर के लिए भूल गया है।
पर जिस दिन उसके प्रेमी की आंखों के सामने से उस शहर की चमक धमक की रोशनी कम होने लगेगी, उसे इस चीज का ज्ञात होगा कि प्रेम से बड़ा किसी चीज का कोई मोल नहीं। वो अपनी प्रेमिका के पास वापस लौट जाएगा। चित्रा अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो प्रेमिका जो अपने प्रेमी का सदियों से इंतजार कर रही है, वो उसकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। अनुराग इस बार तुरंत जवाब देता है, हाँ चित्रा जी, वो वापस लौट कर आएगा। प्रेम अतीत की तरह होता है, आप उससे कितना भी भुलाने की कोशिश क्यों ना करें, वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आपके सामने वापस लौट कर जरूर आता है। चित्रा नाराजगी भरे लहजे में कहती है, मतलब उस बेचारी स्त्री को अभी और इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसके प्रेमी को उनका प्रेम याद नहीं आ जाता। अनुराग झट से जवाब देता है, प्रेम का दूसरा नाम इंतजार ही है चित्रा जी। माता सीता ने भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इंतजार किया था। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि माता पार्वती ने भी तो महादेव को पाने के लिए 14,000 साल तक तपस्या की थी। जब स्वयं भगवानों को अपने प्रेम को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी, इंतजार करना पड़ा था, तो हम तो मामूली इंसान हैं। आप खुद ही सोच सकती हैं हमें हमारे प्रेम को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चित्रा अनुराग से शरारत भरे अंदाज में कहती है, क्या क्या करना पड़ेगा अनुराग जी हमें हमारे प्रेम को पाने के लिए। अनुराग चित्रा की ये शरारत समझ जाता है और वो भी मुस्कुराने लग जाता है। चित्रा ऐसी ही थी, हंसमुख दिलखुश, जो बस अपने आज में जीना चाहती थी, एक पल में किसी को भी अपना बना लेती थी। चित्रा अनुराग को देखते हुए ही मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से धीरे धीरे कहती है, आप सिर्फ लिखते ही अच्छा नहीं है अनुराग जी, बल्कि बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अनुराग जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जितना सोचा था आप उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अनुराग शर्माते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है चित्रा जी। चित्रा बड़े प्यार से कहती है, ऐसा ही है अनुराग जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं है, चित्रा पर। अनुराग कहता है, अगर सिर्फ आपसे मिलता तो कभी आपकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर आपसे मिलने से पहले मैं आपकी पेंटिंग से मिला हूँ और तब से ही मुझे हर चीज पर यकीन होने लग गया है, उन चीजों पर भी जो कभी सिर्फ एक ख्वाब लगती थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, पेंटिंग से याद आया, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गई जो सबसे जरूरी थी। मैं सोचकर आई थी ये बात तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगी, इसी सवाल ने तो रात भर मुझे परेशान किया है। अनुराग तुरंत पूछता है, ऐसा कौन सा सवाल है चित्रा जी जिसने आपको रात भर परेशान किया है, जरा मुझे भी तो बताइए। चित्रा कहती है, आपने जो कविता लिखी थी उस कविता की सारी लाइन मुझे समझ में आ गई, बस एक लाइन समझ में नहीं आई। समझ ही नहीं आया उसका मतलब क्या है। अनुराग झट से कहता है, कौन सी लाइन चित्रा जी। अनुराग के इतना कहते ही चित्रा अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक करती है, जिसमें वही कागज की तस्वीर निकली हुई थी जिसमें अनुराग ने कविता लिखी थी। चित्रा अपने मोबाइल में वो तस्वीर देखते हुए कहती है, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, जिसमें लिखा है, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में, आपने इसमें ये क्यों लिखा। अनुराग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा क्या पूछ रही थी, वो चित्रा को सवालिया नजरों से देख रहा था। चित्रा अनुराग को अपनी बात समझाते हुए कहती है, अनुराग जी मेरा मतलब है कि आपने पूरी कविता में कहीं भी उस स्त्री को नाम नहीं दिया, लेकिन आखिरी लाइन में आपने उस स्त्री को नाम दिया, वो भी यक्षिणी, ये यक्षिणी कौन है। चित्रा का यक्षिणी नाम लेते ही अनुराग के चेहरे के हाव भाव बदलने लग जाते हैं, उसका मन विचलित होने लग जाता है, जो उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था। चित्रा अनुराग के साथ फिर शरारत करते हुए अपनी दोनों भवें उठाते हुए कहती है, बताइए ना अनुराग जी, ये यक्षिणी कौन है, कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर एक्स तो नहीं है। अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा जी, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई एक्स है। चित्रा कुछ सीरियस होते हुए कहती है, तो फिर ये यक्षिणी कौन है, आपने इस स्त्री को यक्षिणी नाम ही क्यों दिया, कोई और भी तो दे सकते थे। अनुराग वापस से पेंटिंग को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये यक्षिणी कौन है। सच तो ये है चित्रा जी कि जब आप ये पेंटिंग उस हॉल में बना रही थी, तभी से मेरी नजरें इस पेंटिंग पर टिकी हुई थी, पता नहीं क्यों ये पेंटिंग मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और जब मैं इस पेंटिंग पर कविता लिखने बैठा तो मेरे सामने से सब गायब हो गया सिवाय इस पेंटिंग के। पेंटिंग में बनी इस स्त्री को देखकर मेरे अंदर से एक पुकार आई, उस पुकार में एक नाम था और वो था यक्षिणी का। अनुराग की बात सुनकर चित्रा एकदम खामोश हो गई थी, उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था।
चित्रा अनुराग से कुछ और पूछती उससे पहले ही अनुराग चित्रा से हड़बड़ाहट के साथ पूछ बैठता है, चित्रा जी मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। चित्रा पहले तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर फिर बड़े प्यार से कहती है, हाँ अनुराग जी पूछिए ना, क्या पूछना है, इतनी देर बाद तो आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको मना थोड़ी कर सकती हूँ। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, जब आप ये पेंटिंग बना रही थी तब क्या चल रहा था आपके मन में, आपने ये पेंटिंग कैसे बनाई चित्रा जी? चित्रा भी अनुराग की तरह कुछ जवाब नहीं देती है, चुप खड़ी रहती है। अनुराग चित्रा के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर जब चित्रा को वैसे ही चुप खड़ा देखता है तो उसका सब्र टूट जाता है। अनुराग फिर चित्रा पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, आप चुप क्यों हो गई चित्रा जी, बताइए ना आपने ये पेंटिंग क्या सोचकर बनाई है? चित्रा धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए अनुराग से कहती है, अगर मैं सच भी कहूंगी तब भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे अनुराग जी, तो बेहतर है आप मुझसे ये सवाल करिए ही मत। अनुराग तुरंत चित्रा को अपने आप पर विश्वास दिलाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा ना चित्रा जी, जब से मैंने आपकी बनाई ये पेंटिंग देखी है मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन होने लग गया है, आप कहिए तो सही। चित्रा बड़े ही नर्म लहजे में अनुराग से कहती है, सच तो ये है अनुराग जी, जब मैं अपने रूम से पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए निकली थी तब सोच कर निकली थी कि कॉम्पिटिशन में मुझे कौन सी पेंटिंग बनानी है, क्योंकि उसकी रात भर मैंने प्रैक्टिस करी थी ताकि अगले दिन कॉम्पिटिशन में वो पेंटिंग अच्छे से बना सकूं। पर जब मैं हॉल में पहुंची और कॉम्पिटिशन शुरू हुआ तो मेरे साथ साथ बाकी सब भी ये जानकर हैरान हो गए कि आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग बनानी है। मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, पर फिर मैंने ठान लिया था कि रात भर जिस पेंटिंग की प्रैक्टिस की है मैं वो बनाऊंगी। पर जब वॉलंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तब, इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने वापस से वो सारे पल गुजरने लग गए हों, जब वो आंखों पर उस पट्टी को बांधकर पेंटिंग बना रही थी, और वही दर्द और पीड़ा हो रही थी जो पेंटिंग में मौजूद स्त्री को हो रही थी। चित्रा को ऐसे एकदम से चुप देख अनुराग चित्रा से कहता है, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गए चित्रा जी, कहिए ना जब वॉलंटियर ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी थी तब क्या हुआ था? चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, जब वॉलंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे आपकी यक्षिणी दिखाई दी। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरी यक्षिणी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरी यक्षिणी? चित्रा अपनी बात से पलटते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो स्त्री जिसको अनुराग जी आपने यक्षिणी नाम दिया था वो मेरी आंखों के सामने आ गई, अब वो यक्षिणी है या फिर कोई और मुझे भी नहीं पता। अनुराग चित्रा को ही देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, मतलब चित्रा जी आपको भी नहीं पता कि जिस स्त्री की पेंटिंग आपने बनाई वो कौन है? चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अनुराग जी मुझे नहीं पता, आपको तो पता ही होगा हम कलाकार कहाँ किसी को जानते हैं, जिस तरह आप लेखक अपनी कहानियों के कुछ पात्रों से अपने ख्वाबों में मिलते हैं उसी तरह हम पेंटर भी हमारी पेंटिंग के किरदारों से ख्वाबों में मिलते हैं। अनुराग चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चित्रा कहती है, हाँ तो अनुराग जी मैं आपको बता रही थी कि जब उस वॉलंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में पहले तो मुझे कई सारे जुगनू दिखाई देने लग गए जो एक एक करके मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और अपनी जगमगाती हुई पीली रोशनी से अंधेरे को दूर कर रहे थे। देखते ही देखते मुझे मेरे चारों तरफ पीली रोशनी दिखाई देने लग गई थी जो सुनहरे रंग की तरह चमक रही थी और उसी रोशनी में मुझे नदी के किनारे वो स्त्री दिखाई थी जिसे आपने यक्षिणी नाम दिया था। वो यक्षिणी मुझसे बात करने लग गई, वो मुझे बताने लग गई कि जब से उसका प्रेमी उसे छोड़कर परदेश गया है तब से उसकी क्या दशा हो रही है। बस फिर क्या था, मैंने उस दर्द को महसूस करते हुए पहले उसका रूप बनाया और उसके बाद उन हिस्सों को जहाँ पर वो और उसका प्रेमी साथ वक्त बिताया करते थे। मैंने वक्त के तीन पहर भी बनाए ताकि पता चल सके कि यक्षिणी अपने प्रेमी का सदियों से इंतजार कर रही है। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। चित्रा ने अनुराग को उसकी बातों में खोने पर मजबूर कर दिया था। उसे चित्रा के अंदर भी वो तलब दिखाई देने लग गई थी जो अनुराग के अंदर थी, कहानियों में खोने की तलब।
चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अनुराग जी, जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पेंटिंग खुद मेरे हाथों से बनना चाहती हो, कोई मेरे हाथों से ये पेंटिंग बनवाना चाहता हो। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, ये आप क्या कह रही हैं चित्रा जी? चित्रा कहती है, हाँ अनुराग जी, यकीन कर पाना मुश्किल है पर यही सच है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ अपने आप चल रहे हो, मेरा उन पर कोई काबू ही ना हो। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, काश कभी मेरे साथ भी ऐसा हो चित्रा जी, की कोई कहानी खुद मेरे हाथों से अपने आप को लिखवाना चाहती हो और मेरे हाथ भी अपने आप चले। चित्रा अनुराग से नाराजगी भरे अंदाज में कहती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अनुराग जी, आपको ये सब मजाक लग रहा है ना जो भी मैं बोल रही हूँ? अनुराग तुरंत बौखलाहट के साथ कहता है, नहीं चित्रा जी, मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन है, मैंने कहा तो और मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो, कोई कहानी मिले और मेरे हाथ अपने आप चले। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा करने के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी अनुराग जी। अनुराग तुरंत पूछता है, कैसी साधना चित्रा जी, बताइए, मैं ये करने के लिए सब साधना करने के लिए तैयार हूँ। चित्रा जवाब देती है, कला की साधना, जितना ज्यादा आप कला को पूजेंगे उतना ज्यादा कला आपको पूजेगी, आपको अपनी कला को अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपनी खुशियां, अपना गम, अपने सपने, अपना सब कुछ, और फिर उसके बाद आपको आपकी कला एक नई दुनिया देगी, वो दुनिया जो आप चाहते थे, जिसमें आप जीना चाहते थे। चित्रा की बातों ने अनुराग को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था, उसे चित्रा उसकी तरह लगने लग गई थी, अपनी कला में जीने वाली। इसलिए अनुराग को चित्रा को और भी जानने का मन कर रहा था, जिस कारण वो उससे लगातार बातें किए जा रहा था। पहली मुलाकात में ही अनुराग और चित्रा ने एक दूसरे से कई बातें करी, कुछ अपनी अपनी कला के बारे में तो कुछ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में। पहली मुलाकात में ही उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया था। अनुराग को भी चित्रा पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, वरना जितनी बातें उसने चित्रा से करी थी उतनी उसने आज तक किसी शख्स से नहीं करी थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को जिंदगी में काफी पहले मिल जाना चाहिए था, पर काफी देर बाद मिल रहे थे। कहते हैं ना, इंसान को हर चीज वक्त के साथ ही मिलती है, और अनुराग और चित्रा भी एक दूसरे को वक्त के साथ ही मिले थे, जब उनके मिलने का वक्त आया था। अनुराग और चित्रा बातें करने में खो गए थे, इतना खो गए थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला था कि कब सुबह से शाम हो गई थी। अनुराग और चित्रा बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मिस्टर स्टीफन खड़े हुए थे, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखकर तुरंत कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है और कहता है, सर आप कब आ गए? मिस्टर स्टीफन एक नजर अनुराग पर और दूसरी नजर चित्रा पर मारते हुए कहते हैं, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ अनुराग, पर तुम दोनों एक दूसरे से बात करने में इतना खो गए थे कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। चित्रा मिस्टर स्टीफन के सामने सिर झुकाते हुए कहती है, गुड इवनिंग सर। मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, गुड इवनिंग बेटा। मिस्टर स्टीफन चित्रा की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो तुम बेटी, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनोगी तुम, बस कभी पेंटिंग का साथ ना छोड़ना। कला एक ऐसी चीज है जहाँ पर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, और जिनमें पेशेंस नहीं होता है वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, कला को छोड़ देते हैं और कुछ और करने लग जाते हैं, फिर ताउम्र अपने जीवन को कोसते रहते हैं। जो लोग बौखलाए हुए रहते हैं, जिन्हें सब कुछ जल्दी पाना है, उनके हाथ सिर्फ असफलता लगती है। सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है, वही इंतजार जो यक्षिणी अपने प्रेमी के लिए कर रही है। एक दिन उसे भी सफलता जरूर मिलेगी अनुराग, और तुम्हें भी। चित्रा मिस्टर स्टीफन से कहती है, थैंक यू सर, और हाँ मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। तभी बीच में अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, सर आपको कैसे पता कि उस पेंटिंग में यक्षिणी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है? मिस्टर स्टीफन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कैसे पता नहीं होगा अनुराग, तुमने उस पेंटिंग पर इतनी अच्छी कविता जो लिखी थी, अगर मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझ सकता हूँ तो तुम्हारी लिखी कविता को भी समझ सकता हूँ। मेरी तो जुबान पर अभी तक यक्षिणी का नाम है, मैं भी उसे और उसके दर्द को भुला नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं बेचारी कब से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है और कब उसका ये इंतजार खत्म होगा। मिस्टर स्टीफन और अनुराग के बीच की बातें सुनकर चित्रा समझ गई थी कि उसके वहां से जाने का वक्त हो गया था। अगले ही पल चित्रा अनुराग से वहां से जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा अनुराग जी अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है मुझे, मैं निकलती हूँ।
इतना कहकर चित्रा वहां से जा ही रही थी कि तभी अनुराग चित्रा को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट चित्रा जी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अनुराग के कहने पर चित्रा रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि अनुराग ने उसे क्यों रोका था। अनुराग तुरंत टेबल पर रखी गुनाहों का देवता किताब उठाता है और चित्रा को देते हुए कहता है, ये आपके लिए चित्रा जी। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, मेरे लिए, पर क्यों? अनुराग चित्रा की दी हुई पेंटिंग को देखते हुए कहता है, आप मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर आई थी तो मैं आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ, इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। चित्रा अनुराग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं अनुराग जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुराग कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन बीच में बोल पड़ते हैं, रख लो चित्रा बेटी, तुम बहुत लकी हो, वरना अनुराग तो बातें और किताबें किसी के साथ शेयर नहीं करता है। मुझे तो एक तुम ही दिख रही हो जिसको ये अपनी किताबें दे रहा है, वरना ये तो मुझे भी अपनी किताबें नहीं देता है। मिस्टर स्टीफन के इतना कहते ही चित्रा उस किताब को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगी अनुराग जी, और फिर आपको बताऊंगी कि सुधा और चंद्र के साथ लेखक ने सही किया या नहीं। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा चित्रा जी। अगले पल चित्रा वहां से चली जाती है। चित्रा के जाते ही मिस्टर स्टीफन कहते हैं, मुझे पता नहीं था अनुराग कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अनुराग तुरंत बौखलाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, चित्रा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो आज ही एक दूसरे से मिले हैं। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, पर तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा अनुराग कि तुम पहली बार एक दूसरे से मिले हो, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक दूसरे को सालों से जानते हो। अनुराग कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं है, आज ही मिले हैं। मिस्टर स्टीफन अनुराग को घूरते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हें उसका नाम पता है? अनुराग को मिस्टर स्टीफन का सवाल बहुत अजीब लगता है, पर फिर भी वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। मिस्टर स्टीफन फिर अनुराग से कहते हैं, उसे तुम्हारा नाम पता है? इस बार जैसे ही अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाता है, मिस्टर स्टीफन झट से बोल पड़ते हैं, तो बस और क्या पता करना है, दोस्ती करने के लिए बस एक दूसरे का नाम पता होना चाहिए, और कुछ पता नहीं होना चाहिए। अभी दोस्त बने हो, धीरे धीरे दोस्त से प्रेमी बन जाओगे, एक दूसरे से प्यार करने लग जाओगे। अनुराग अपनी नजरे चुराते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। मिस्टर स्टीफन अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहते हैं, ऐसा ही होता है अनुराग बेटा, तुम नहीं समझोगे, अभी तुम उम्र के कच्चे हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। दोस्ती ही है जो आगे चलकर प्रेम का रूप ले लेती है, ये प्रेम का पहला चरण है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, अगर तुम्हारे पास शब्दों का जादू है तो चित्रा के पास रंगों का जादू है, और तुम्हें पता है जब शब्दों का और रंगों का जादू एक साथ चल जाता है तो क्या होता है? अनुराग धीरे से पूछता है, क्या होता है सर? मिस्टर स्टीफन तुरंत कहते हैं, एक नई दुनिया बनती है, वो दुनिया जिसमें कोई बंदिशें नहीं होती हैं, जिसमें खुलकर जी सकते हैं। अनुराग खामोश रहता है। मिस्टर स्टीफन की बातों ने अनुराग को चित्रा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, वैसे ही चित्रा की बनाई हुई पेंटिंग ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मिस्टर स्टीफन फिर कहते हैं, मुझे तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अगले ही पल अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये सब आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों आज पहली बार ही तो मिले हैं, और हम दोनों की अभी तो दोस्ती हुई है। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, प्रेम दोस्ती में ही होता है अनुराग, बस हमें प्रेम को पहचानना आना चाहिए, और एक दिन तुम भी पहचान जाओगे, देखना तुम। अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग का चेहरा देखकर समझ गए थे कि वो उसके सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहते हैं, ये सब छोड़ो, वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया था। अनुराग कहता है, हाँ पूछे ना सर, क्या पूछना था? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, तुमने जो कविता लिखी थी उसमें यक्षिणी का जिक्र था, ये यक्षिणी। मिस्टर स्टीफन अपना सवाल पूरा करते उससे पहले अनुराग उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, सर कहीं आपको भी चित्रा की तरह यही तो नहीं पूछना ना कि यक्षिणी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि यक्षिणी कौन है, और ये भी नहीं पता कि मैंने उस स्त्री को यक्षिणी नाम क्यों दिया। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे अंदर से एक पुकार आई और उस पुकार को सुनकर मेरे हाथों ने खुद ब खुद यक्षिणी लिख दिया। मिस्टर स्टीफन अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ अनुराग, पर मुझे पता है यक्षिणी कौन है। मिस्टर स्टीफन के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग दंग रह जाता है। अनुराग मिस्टर स्टीफन को घूरते हुए हैरानी के साथ कहता है, कौन है सर यक्षिणी?
मिस्टर स्टीफन भारी लहजे में जवाब देते हैं, यक्षिणी एक डायन है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।